Morning, everybody. So, guys, you can recall with regard to the Companies Act, we have done a big chunk. Companies Act, मैंने आपसे जिक्र किया था, हल्का सा बता दूं. Companies Act के साथ security laws है जो कि है 70 marks का. Companies Act, I shared with you, that starts from chapter number 11. Till goes to chapter number 29, kids. We have done chapter number 11, 12 and 13. Ek word mein khatam karein to directors. We have finished. No doubt we did chapter number 11 from section 149 till 172. That is with regard to appointment and qualification of directors. From 173 till 195, we did the meetings of the board and its powers. Not 195 till 193. Why? Because 94 and 95, those two sections are being omitted. So guys, thereafter, from 196 till 205, we did managerial personnel and their remuneration. So I can say directors we have done. Now going to issued guidelines, you can see over here. This is corporate law, 70 marks on your screen. Company law, aap dekh rahe hain. Bada clearly likha hai, 30 se 35%. Bhai paper kis mein se aayega? तो इन्होंने लिख के दिया है डायरेक्टर्स के तीनों चैप्टर नजर आने आपको 30 से 35%. सेक्शन ए है ये आपके सामने और बी सिक्योरिटी लॉस जरा देख लो. पहले सिक्योरिटी लॉस देखो कितना बताया 15 से 20%. तो 70 नंबर से अगर हम 20% मान लें तो बनते हैं 14, 15 मान लें तो बनते हैं 10. और मैं मोटा मोटा यही कहता हूं, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको ये बोला था कि यार कंपनीज एक्ट 60 नंबर का है, गेम है पूरी. आपने वो टिका लिया, पेपर ही क्लियर, बाकी तो टेंशन नहीं, जाने दो. पूरी जिंदगी पढ़ना भी कंपनीज एक्ट है, इसलिए बड़ी शिद्दत से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी है. एक एक आपके नोट्स बनाए हैं, एक एक बेयर एक्ट का एक एक वर्ड बढ़ा के दिया अलॉन्ग विद रूल्स, अलॉन्ग विद सारे के सारे फॉर्म. अब फर्ज आपका है, जितना आपने किया उसको समेटिए, उसको संभालिए. रिवीजन लेक्चर्स भी मैंने आपके इवन ऐप पे अनलिमिटेड व्यूज के साथ डाल दिए, जब दिल करे रिवाइज कर लो. और कितना है 149 से 205, टोटल 2 घंटे में मैंने रिवीजन दे रखा सारे के सारे. नाउ गोइंग टू द पॉइंट, गो टू डायरेक्टर प्लीज. 30 से 35% बहुत बड़ी बैटरी हो गई, क्लियर है. तो 60 का अगर आप 35% लें, लगभग 21 नंबर, तो यूं कह लीजिए कंपनीज एक्ट का एक 1/3 पोर्शन हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया. आप सेकंड हिस्सा देख रहे हैं, ये इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन दिख रहा है और ये जा रहा है टिल द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. ये 206 से स्टार्ट होगा, कहां से 206 से. लेकिन अगर हम नीचे आगे जाके देखते हैं ना, इन्होंने जो थर्ड जो हिस्सा दिया है, इन्होंने कुछ चीजें थोड़ी सी क्लैरिटी यानी लिख के दी है. तो मैं सिंपली कहूंगा कि वाइंडिंग अप स्टार्ट होता है 270 से. तो यूं कह लीजिए जो सेकंड पार्ट है हमारा, दैट इज 206 सेक्शन से लेते हुए टिल 252. टिल 252 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये सारे इंडिपेंडेंट चैप्टर्स रहेंगे. और जो भी अब हम स्टार्ट करेंगे ये वाला कंपोनेंट, हर चैप्टर में से कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. जो जो मैं करवाता जाऊंगा, एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आने ही आना है. बट यहां के मैं एक चीज कहता हूं, एक राहत मिल जाती है, क्योंकि आपने डायरेक्टर्स में देखा बहुत सारे सेक्शन ऐसे थे जहां एक एक सेक्शन पे हमें कई लेक्चर भी लगाने पड़ गए, राइट. तो अब वो चीज इंट्रीकेसी लेवल मैं यहां कहूंगा थोड़ा समाप्त होता है. वो टाइट पार्ट था बट वही आपका बेस है. लेकिन जो हमने पढ़ा अब उसका कोई, जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, एज सच कोई लिंक नहीं है. सो अ न्यू लाइफ, अ न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट्स, यू मे से लाइक दैट वे. तो बच्चों आज
हम सबसे पहले एक पेज पे सिंपल एक हॉरिजॉन्टल पेज पे ये प्रश्न लिखेंगे। पहली बात, ये तो पता ही है अब आपको कि चैप्टर नंबर आज कौन सा स्टार्ट होने वाला है, 14। नंबरिंग रोमन में है, ये भी आप सारे जानते हो। और ये चैप्टर आता है बेटा 206 से 206 से 229। अगर मैं बड़ा ऑनेस्टली बोलूं तो मैं ये चैप्टर इवन दो लेक्चर में खत्म कर सकता हूं, इतने सेक्शन। अभी तक आपने देखे हमने बड़ा टाइम लगाया। शायद कईयों को मन में महसूस हो रहा होगा, अरे हे राम, 470 तक कंपनीज एक्ट है, 149 से 205 तक आते आते लगभग 50 सेक्शनों में इसने इतने लेक्चर हमारे लगा दिए, तो ये तो पक्का 2021 में कोर्स कंप्लीट करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं चाहूं टू बी वेरी फ्रैंक विद, आई कैन कंप्लीट 206 से 229 इन टू लेक्चर्स, कंडीशंस अप्लाई अगर मैं लिखूं ना तो। क्लियर, मैं एक एक वर्ड लिखूंगा, टेंशन ना लें, तो उससे थोड़ा समय लगेगा, अदरवाइज आपको यहां रिलैक्सेशन प्राप्त होगी। नो डाउट चैप्टर में एक जो दिक्कत आ जाती है वो ये आ जाती है, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग को मैं हमेशा कहता हूं एक चक्कर व्यू है, तो हमें चक्कर व्यू में घुसना भी आना चाहिए और उससे निकलना भी। वो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके नोट्स अच्छे बन सके। तो बेटा 206 से 229 एंड चैप्टर का नाम है इंस्पेक्शन। इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। अगर आप तीनों शब्दों को ही देख लें, ओवरलैपिंग तो हमें वहीं पे नजर आ जाती है कम वक्त कि यार ये तो एक जैसे से वर्ड है, तो हमें इनमें से ये वर्ड सीधा सीधा समझ में आता है, इन्वेस्टिगेशन, पक्का कंपनी ने कुछ कांड कर दिए। लेकिन उसके आगे भी दो वर्ड हैं, तो डैट मींस ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कह लीजिए, सिचुएशन बढ़ रही है। सबसे हल्के में इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन करी, लगा गड़बड़ है, तो हमने केस खोला किसके लिए, इंक्वायरी। इंक्वायरी करने लगा, हमें लगा अरे बाप रे बाप, ये तो समस्या ही बहुत है, ये तो हमारे कोरोना वायरस की तरह हो गया, बड़ा बड़ा बहुत ही बड़ा फ्रॉड है, फैला हुआ है, ये तो हर जगह पूरे देश के बॉर्डर, कंट्री के बॉर्डर्स क्या करने पड़ेंगे, बंद। सेम वैसे हालात इसके हैं। तो ये ऊपर गया इन्वेस्टिगेशन, लेकिन मैं मेरी तरफ से एक वर्ड और अटैच करूंगा इनसे पहले। चैप्टर के नाम में नहीं है, ये मेरी तरफ से है, इन्फॉर्मेशन। तो ये वर्ड लिखा नहीं गया है, मैं अपनी तरफ से इंसर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहां आपको एक चीज सिंपल समझा देना चाहता हूं, वो ये है कि इस चैप्टर में हमें हमेशा ये चार आई आई हो गए ना भाई, इन पे गेम खेलनी है। और आप देख रहे हैं जब मैंने इंस्पेक्शन से पहले वर्ड इंफॉर्मेशन लगा के दिया है, तो अगर आपको किसी पे डाउट होता है तो पहले क्या लेंगे आप, इंफॉर्मेशन लेंगे, कई को इंस्पेक्शन करने का, राइट? तो ये है चैप्टर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद गाइस। हम पहले पेज पे सबसे पहले सेक्शन 206 लिखेंगे और यहां मैं एक चार्ट बनाऊंगा जिसके अंदर चार कॉलम होंगे, तो स्वाभाविक है एक कॉलम किसका हो जाएगा, बेसिस का। अच्छा, मैं ये चार कॉलम बनाने के बाद भी इस पेज में जगह बचाऊंगा क्योंकि मैं एक आधा सेक्शन और भी लूंगा। क्लियर? तो एक कॉलम एज ए सेट बेसिस का, बाकी होंगे चार कॉलम। तो सबसे पहले ये रहा सेक्शन 206 बच्चों। अगर आप मेरा चार्ट देखें, प्लीज हैव अ लुक, नेचुरल है, एक कॉलम किसका है, एज ए सेट बेसिस का। मैं लाइन नीचे तक नहीं बिल्कुल मारूंगा, सर मार तो दिया आपने, नहीं नहीं मेरा आगे भी पेज है ना, देखो क्लियर है। सो इसके बाद मैं चार कॉलम बना रहा हूं, एक दो तीन चार, अरे वाह हो गए ना चार। लेकिन मैं बता दूं इसके बाद भी मेरे पास तो पेज है,
काफी है, तो मैं इतने कोई बड़े बड़े कॉलम नहीं बनाने वाला हूँ, राइट, क्योंकि मुझे मालूम है अंदर कंटेंट इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं लिखने का है मेरे को। मैं तो 206 का चक्रव्यूह तोड़ रहा हूं कि मैं उसे आसान कैसे करूं। तो यूं कह लो, ये चार कॉलम बनाने के बाद, एक बेसिस का कॉलम बनाने के बाद भी मेरे पास एक छोटी सी रो एंड में रह जाती है, मेरे काम आएगी मुझे लगता है। ओके, तो ऐसे ही सेट, पहले कॉलम का नाम तो बेसिस ही रखेंगे भाई। नाउ सबसे पहला जो कॉलम है मैं उसको एक नाम देने जा रहा हूं, मांग रहे हैं हम इन्फॉर्मेशन, मांग रहे हैं हम इन्फॉर्मेशन। तो पहली चीज आ गई ना, इन्फॉर्मेशन आपके सामने। दूसरी चीज देखिए, इन्फॉर्मेशन मांगने के बाद कुछ गड़बड़ लगी तो वर्ड आ गया आपके सामने, कौन सा? इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन के बाद कुछ गड़बड़ लगी तो देखिए क्या वर्ड आ गया आपके सामने, इंक्वायरी। एंड फोर्थ कॉलम, अब आप सोच रहे होंगे यहां आएगा इन्वेस्टिगेशन, ध्यान दीजिएगा नहीं है, यहां वर्ड है इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन, दोनों इकट्ठे कर दिए मैंने। तो इन्वेस्टिगेशन नहीं है 206 में, बड़ी बात यह है। अब एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। सेक्शन तो ऊपर लिख ही दिया था, लेकिन जब मैंने चार कॉलम बनाए हैं तो सब सेक्शन है। सर याद करने के पड़ेंगे क्या? इग्नोर कर देना, तो लिखो ही मत ना सर, अब इतनी जद्दोजहद करी है कॉलम बनाने की तो लिख तो देता हूं भाई, तो टेंशन मत लेना। मैंने उन्हीं सब सेक्शनों पे आपको तवज्जो दिए ज्यादा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां थोड़ा विचित्र रूप से लिख रहा हूं, 206 सब सेक्शन 4। अरे सर ये तो इधर भी था, कोई बात नहीं दो बार है। और ये इंस्पेक्शन से रिलेटेड 206 सब सेक्शन 5 एंड 6, दोनों के दोनों हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं, एक बार हेडिंग पकड़िए बात समझ में आएगी। क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। तो अगर हम दिमाग लगाएं, गाइस यू कैन यूज योर ब्रेन, कंपनीज एक्ट की हम बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन मांगने की बात हो रही है। सोचो कौन सी ऐसी अथॉरिटी होगी जो कंपनियों से सीधा सीधा इंफॉर्मेशन मांगती है? यू कैन डू इट। आरओसी, आपने जवाब दिया और आपका जवाब बिल्कुल सही है, आरओसी ही है। अगले कॉलम में भी आपको आरओसी ही दिखेगा, उससे अगले कॉलम में भी आरओसी है। अब समय आ गया समझने का, क्योंकि यहां देखिए वर्ड क्या लिखे हैं मैंने, दोनों लिखे हैं इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन, तो सेम आ गया ना, ओवरलैप मार रहा, तो बस यहां अथॉरिटी चेंज कर रहे हैं हम। तो ये मोदी जी आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट, बट ही इज अ बिजी बॉय ऑन फ्लाइट मोड, बट नॉट दीज डेज थैंक्स टू करोना। सो डेलीगेटेड टू आरडी, आरडी जानते हो आप सारे, स्टैंड्स फॉर रीजनल डायरेक्टर। चलिए बेटा, अब लगाते हैं दिमाग। आरओसी ने आपसे इंफॉर्मेशन क्यों मांगी, कब मांगी, सोचिए ना, यू कैन डू इट। तो आपको पता हो ये होना चाहिए, हम आरओसी के पास सारी फाइलिंग उसी के पास तो करते हैं, और विशेष रूप से एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 MGT 7
विद इन 60 डेज ऑफ एजीएम, ये तो करते हैं, एंड देन 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एओसी 4 में विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम। ये तो दो सीधे सीधे कागज हैं, बाकी भी सारे ही हैं। सो इसमें मैं दो सिचुएशन लिख रहा हूं, पहला ऑन स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आई होप सो आप सारे जानते हैं स्क्रूटनी का मतलब चेक करना। आरओसी के पास इतने सारे कागजों की फाइलिंग हुई है, उसने कागज चेक किए, ऑन स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद आरओसी। उदाहरण लिखने हैं तो विशेष रूप से दो तो लिख ही सकते हो आप, और हमेशा मैं बोलता भी हूं 92 137 92 में एआर एनुअल रिटर्न, यहां पे कौन एफएस, ये तो नॉलेज के लिए है। तो आरओसी के पास कागज गए, उसने कागजों को क्या किया, पढ़ा, पढ़ने के दौरान कुछ तो इंटरेस्ट पैदा हुआ, और बी ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड आरओसी के हाथ में कोई इंफॉर्मेशन आई है, ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और इंफॉर्मेशन मिलने पे एंड आरओसी इज ऑफ ओपिनियन, इंफॉर्मेशन के हिसाब से आरओसी की विचारधारा ये है डैट फर्दर हमें और क्या चाहिए, डाई चाहिए। सर ये डाई क्या बना, कोड की है। इवन जब हम जितने भी एक्ट पढ़े हर जगह हम ये यूज कर लेंगे, सक्रा सेबी खास करके सिक्योरिटी लॉस में, कि उन्हें लगता है इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें फर्दर क्या चाहिए, डी से डॉक्यूमेंट्स, आई से इंफॉर्मेशन, ई से एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है भाई। इंफॉर्मेशन मिली है, हेलो कंपनी हमें फर्दर तुम डाई दो। अच्छा ये डाई वर्ड अगर आप पूरा गहराई में लिखना चाहो ना लंबी चौड़ी लाइन, तो दो डेफिनेशंस आती हैं, आप से जानते होंगे ये डेफिनेशन आती हैं, एक ये बुक से रिलेटेड, एक है 2.12 और एक है सबसेक्शन 2.13। तो सुना होगा 2.13 में क्या आता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बीओए, और 2.12 में क्या आता है, बुक एंड पेपर एंड बुक और पेपर। आप याद कीजिए जो गलती से मुझसे इंटर में पढ़े हो, मैं कोड की करवाता था 2.12 के ऊपर, डैड वॉक्स वॉगन पे मेरी पीके, कुछ याद है, वही है लंबी छोड़ी लाइनें मैंने शॉर्ट कर दिया, डाई वर्ड बना दिया, कुछ नहीं किताबें मांगने की बात है। तो डैड वॉक्स वॉगन पे मेरी पीके, तो वो क्या था, डी से यही डॉक्यूमेंट है, ए से क्या था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही है, डी से क्या है, डीड्स हैं, वी से क्या है, वाउचर हैं, डब्ल्यू से क्या है, राइटिंग्स हैं, एम से क्या है, मिनट्स हैं, आर से क्या है, रजिस्टर्स हैं, मेंटेन्ड इन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और 2.13 याद कीजिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप कितनी चीजें लेते हैं, चार चीजें लेते हैं, पहली क्या चीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज कह लीजिए, दूसरा क्या कह लीजिए, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कह लीजिए, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर कह लीजिए, एंड चौथा आपका क्या गया, कॉस्ट शीट। तो वही है, वो लंबा छोड़ा है, मैं बहुत सिंपल सा लिख दिया, बात ही खत्म। अब मैं और आसानी यहां की देता हूं आपको। तो देखिए आरओसी आपसे इंफॉर्मेशन क्यों मांग रहा है, तो मैं पहले पॉइंट को कहूंगा शक, स्क्रूटनी शक। दूसरे पॉइंट को मैं नाम क्या दे सकता हूं, शिकायत। सर शिकायत कैसे, अगर आपको इंफॉर्मेशन मिली है तो किसी ने इंफॉर्मेशन दी है ना, शिकायत करी है, तो शक एंड शिकायत। क्योंकि आंसर में कोई दम वाली बात नहीं है, बिजनेस स्टडीज है। नॉर्मली क्या होता है, आपने जब पिछले चैप्टर्स पढ़े डायरेक्टर, तो आपने देखा हम एक एक सेक्शन पे कितना ज्यादा जद्दोजहद कर रहे थे, बहुत कुछ कॉन्टेंट था उसमें, या कॉन्टेंट नहीं दिख रहा हमें 206 में, तो लॉन्ग रन में क्या होगा, हम भूलेंगे, स्वाभाविक है, तो हमें उसे आसान करना है। क्योंकि मैं बहुत क्लियर हूं, कंपनीज एक्ट ही हमारा भविष्य है, वर्तमान है, तो इसको इतना अच्छा कीजिए
हमने बड़ी मेहनत भी की है, 149 से 470 जहां पे भी आपको खड़े हैं एक एक सेक्शन टिप्स पे हो। चलिए अब चलते हैं इंस्पेक्शन पे, या एक काम करते हैं नहीं जाते इंस्पेक्शन पे, यहीं से ऊपर होके सेकंड कॉलम में जाएंगे। ये जितना साइज आप देख रहे हो अभी मैंने पहले कॉलम में भर दिया आरओसी, तो मुझे मालूम है बाकियों का आंसर इससे नीचे नहीं जाएगा, तो ये भी यहां एडजस्ट हो जाएंगे। तो मैं अगला एक कॉलम बस कह लीजिए, अगला ही एक और है और कुछ नहीं है इसमें सच लिख देता हूं ताकि सेकंड कॉलम में जाना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो आरओसी को शक है या उसे शिकायत मिली है, तो आरओसी क्या करेगा, कार्रवाई करेगा, एक्शन लेगा, क्या एक्शन लेगा सोचो ना आप बताओ। कुछ नहीं है, नोटिस देगा किसको, अरे कंपनी को देगा, काय को देगा, अरे भाई मेरे को ये इंफॉर्मेशन दे के जाओ, मेरे को ये डाई दे के जाओ, डाई डी फॉर डॉक्यूमेंट, आई फॉर इंफॉर्मेशन, ई फॉर एक्सप्लेनेशन। मैं बता दूं डॉक्यूमेंट की भी डेफिनेशन हम इंटर में पढ़ा करते थे सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 जहां मैं आपको कोड की करवाता था, शाहरुख नील ऋतिक देवगन कहां गए, एफआर में गए, क्या किया, किस कैसे पीके। अब कई बच्चे जो मुझसे नहीं पढ़े हैं वो शायद लगभग जो यहां बैठे हो तो पढ़े ही हैं, बट बहुत सारे ऑनलाइन वाले नहीं पढ़े होंगे तो ये सोच रहे होंगे कैसी गंदी गंदी कोड कीज है, बट एंजॉय करो गंदी क्यों है। तो बाद में कहीं मौका मिलेगा तो हम ये डेफिनेशंस भी आपके लिए दोबारा पढ़ देंगे। सो सेंड नोटिस टू कंपनी, क्या नोटिस देगा भाई, दे जाओ फर्निश, क्या दे जाओ, अरे वही, क्या वही, डाई। तो अगर आपने सेक्शन और लिखना है तो डॉक्यूमेंट आता है 236 में, पता होना चाहिए। ऊपर मैंने लिख के दिया था 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन आती है 240 में, आप इंटर में हो फाइनल में हो ये चीजें आनी आनी चाहिए। और नेचुरल है जब वो आपको नोटिस देगा इंफॉर्मेशन दे जाओ, कोई टाइम तो वो लोग बताएंगे, बट देन स्पेसिफाइड टाइम भाई इस दौरान आप ये इंफॉर्मेशन दे जाइए। क्लियर गाइस, दिस नथिंग इन इंफॉर्मेशन, दो चीजें हिंदी में लिख दी, शक है शिकायत है, दे जाओ क्या, डाय। कूल, आइए अगले हिस्से में चलते हैं, इंस्पेक्शन है, स्वाभाविक है आरओसी ही कर रहा है। अरे इंस्पेक्शन में हम क्यों गए होंगे, आपसे इंफॉर्मेशन मांगी थी आप ढंग से दिए नहीं हो। सो इफ कंपनी, अगर कंपनी ने ए फेल्स टू प्रोवाइड, तो हिंदी में हो गया नहीं दिया आपने, फेल्स टू प्रोवाइड क्या, फर्दर डाई। कोड की ओके भाई, सकरा सेबी में ये कोड की चलती रहेगी, तो जब हम वो पढ़ेंगे तो मैं कहूंगा बेटा डाई, तो मेरे को घूर घूर के नहीं देखना, बता देना उसका मतलब क्या है। और बी, आपने नहीं दिए या प्रोवाइड्स या दिए हैं लेकिन समस्या क्या कर दिया आपने, इन एडिक्वेट डाई, तो दिए तो हैं लेकिन बात तो अधूरी है, तो अगर अधूरे हैं तो चीजें तो परेशान करती हैं, तो या तो दिए नहीं या अधूरे दिए हैं। तो अब आरओसी को लगता है आरओसी इज ऑफ ओपिनियन डैट, अब आरओसी की विचारधारा यह है, अफेयर्स किसके बेटा, कंपनी के, आपने टेंशन नहीं लेनी, डैट अफेयर्स ऑफ कंपनी क्या है, आर प्रिजुडिशियल, आई होप सो, प्रिजुडिशियल आप समझते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी नुकसानदायक, पार्शियल किसके लिए, टू इंटरेस्ट ऑफ कंपनी कहें, मेंबर्स कहें, आम जनता कह लें, तो सब कुछ सबके लिए कि ये कंपनी काम सही नहीं कर रही, इसलिए क्या करनी चाहिए, इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन करने के लिए क्या करोगे आप, क्या एक्शन लोगे, ए
रिकॉर्ड, रीजंस इन राइटिंग। सर ऐसा क्यों? अरे इंस्पेक्शन करने जा रहे हो किसी के खिलाफ, क्लियर है? अभी आपको राह में पुलिस वाले पकड़ लें, भाई हमें शंका है कि या कोविड करोना वायरस है आप में। अरे ऐसे कैसे, मेरे को भला चंगा मैं छलांगे मारते हुए घूम रहा हूं, तुम कहते हुए है तो कोई कारण तो बताओ। कहते कारण ये है आप मलेशिया चाइना से आए हैं, फिर ठीक है, क्लियर। और मैं बता दूं कल एक व्यक्ति यहीं पे शायद अमृतसर एयरपोर्ट पे लैंड किया, ही डाइड, क्वाइट यंग, 41 ईयर्स ऑफ एज, मलेशिया से आ रहा था। मतलब बंदा अच्छा गला भला बैठ के आया, लाश पहुंची। इट इज स्कैरी फॉर द बेस्ट। सो रिकॉर्ड रीजंस इन व्हाट राइटिंग। तो आप राइटिंग में एक रिकॉर्ड बनाएंगे, बी एंड सेंड फर्दर नोटिस, एक नोटिस और दीजिए कंपनी को। टू फर्निश डाई कि भाई साहब आप डाई देके नहीं गए थे, दे जाइए या इनकम्प्लीट है, क्लियर। तो कुछ भी नहीं आंसर में, तो लिंक बन रहा है इंफॉर्मेशन से ही आगे गेम किस में गई, इंस्पेक्शन में। आपसे मांगे थे कागज, आपने नहीं दिए या इनकम्प्लीट दिए हैं, अब हम रीजंस रिकॉर्ड कर रहे हैं और फर्दर आपसे मांग रहे हैं। अब बात और आगे बढ़ गई, इंक्वायरी। इफ इवन आफ्टर इंस्पेक्शन, हमने इंस्पेक्शन में केस खोला, कंपनी को कहा था फर्दर कागज देके जाइए, और कंपनी फेल्स टू, अरे बाप रे बाप, फेल्स टू, ये ए बी सेम ही ले लो, कॉपी पेस्ट इधर वाले। आपने डाई नहीं दिए, आपने इनएडिक्वेट दिए, एंड आरओसी इज ऑफ ओपिनियन, ध्यान दे रहे हो, एक कॉमन फैक्टर कैच कर रहे हो हर जगह पे। मैंने तीनों डब्बों में आरओसी इज ऑफ ओपिनियन, अब मार्क कर सकते हो चाहे, यहां से लगा डाई मिलना चाहिए, यहां से लगता है आपके अफेयर्स क्या नहीं है, ठीक नहीं है, यहां देखते हैं वो क्या कहते हैं। एंड आरओसी इज ऑफ ओपिनियन डॉट नंबर वन, कंपनी इज इन्वॉल्व्ड इन, मैं यहां पे भी कोड की बना के दे रहा हूं, कंपनी इज इन्वॉल्व्ड इन एफ यू आई, मैं इसे कहूंगा फुई, बुआ होती है ना, तो उर्दू में शायद फुई कहते हैं, ठीक है, फुई। ये वर्ड फुई फुई आपको बहुत दिखेगा एज ए सेड सिक्योरिटी लॉज में। एफ से सोचिए गाइस, यू कैन डू इट, फ्रॉड, कि कंपनी इन्वॉल्व है फ्रॉड में। यू से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो सभी एक्ट में ये वर्ड दिखेंगे आपको। आई से इनसाइडर ट्रेडिंग, आई होप सो इनसाइडर ट्रेडिंग सारे जानते होंगे, शेयर मार्केट से रिलेटेड, कि कंपनी इन्वॉल्व है फी में। दूसरी बात, ग्रीवियंसेस ऑफ ऑफ इन्वेस्टर्स आर नॉट मेट, तो जो मेंबर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, आप उनके ग्रीवेंस मीट नहीं कर रहे हो। जैसे एक सिंपल सी बात है, चाहे मेरी बाकी सारी क्लासेस ऑफ हो गई हैं, क्योंकि उनके बाकी टीचरों की भी ऑफ होगी तो मुझे भी करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने हर बच्चे को ऑप्शन दिया, जैसे आप कहें। आप में से कईयों ने कहा हम नहीं आएंगे, तो भाई आप पे देख लीजिएगा, और जो आ गए हैं मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो आई होप सो जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं मैं उनका ध्यान रख रहा हूं। तो अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो आपके खिलाफ क्या होगी इंक्वायरी, कहीं सर आप भी मलेशिया तो नहीं गए थे, क्लियर है? तो
तो सिंपल है, आंसर में कोई दम वाली बात हमें नहीं नजर आ रही। बिजनेस स्टडीज है, जब आप 206, जैसे मैं बेरा टाव को पढ़ूंगा आपका रोने का दिल करेगा, अरे यार सर क्या पढ़ा, एक ही वर्ड पता चला। मैं पूछूंगा कौन सा, उसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे, इंस्पेक्शन बोलूं या इंक्वायरी बोलूं। सो इट्स कूल, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आए एक्शन पे आते हैं। तीन बातें लिखेंगे यहां पे, ए बी सी। इन्फॉर्म कंपनी, आप बताइए कंपनी को क्या ऑफ एलिगेशंस, क्या एलिगेशंस हैं आपके ऊपर, आप फुई में इनबोल्ड हैं, क्लियर, ग्रीवेंसेस मीट नहीं कर रहे। देन दूसरी बात, सेंड भेजिए, रिटर्न, डब्ल्यू आर रिटर्न वर्ड है मेरी तरफ से, नोटिस नेचुरल है किसको, कंपनी को, क्या दे जाओ, डाई। तो ये पॉइंट तो हम कॉमन फैक्टर हर जगह ही लिख रहे हैं ना यार, डाई दे जाओ, डाई दे जाओ, डाई दे जाओ। सो दिस इज कॉमन फैक्टर। सो गाइस यू मस्ट नो ये कॉमन फैक्टर हर जगह यही पॉइंट है। तो यहां पे आके लिख दो ब्रैकेट में, ये पॉइंट हर डब्बे में है, ठीक है, ये पॉइंट हर डब्बे में है। सी, कैरी ऑन इंक्वायरी, अब कर लीजिए आप इंक्वायरी, कैरी ऑन इंक्वायरी कर लेना। अब इंक्वायरी कीजिए आफ्टर आरओएच, व्हाट इज आरओएच, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड या राइट ऑफ बीइंग हर्ड, कि इंक्वायरी कर रहे हैं किसके खिलाफ, तो अगले का एक हक है अपनी अपना पक्ष रखने का। वो नोटिस का मतलब ही बी पॉइंट में ये है कि अगला अपना पक्ष रखे, ठीक है जी। आइए बढ़ते हैं हम मोदी साहब की तरफ, या डेलीगेटेड टू आरडी, तो मैं सीधा आरडी भी लिख सकता था, सीजी इसलिए लिखा क्योंकि हमारा बच्चा पागल हो जाता है पेपर तक, या डेलीगेटेड टू आरओसी था या आरडी था, तो बंदा सेफ खेल सकता है ना, सीजी फर्दर डेलीगेटेड मत लिखो किसको, क्लियर। सो सीजी क्या कर रही है, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अगले सेक्शन हमारे इसी गेम पे बेस्ड है, तो एक तो हमारे लिए क्रूशियल हो गया। सेम चीज कर रही है सीजी जो आरओसी कर रहा था, देखा जाए तो आरओसी भी तो किसके नीचे रहे, सीजी के। तो यार तुम दोबारा मतलब, लेकिन देखो ना आरओसी स्टिल नहीं है, उसका बाप है आरडी, क्योंकि हायरार्की तो मैंने आपको बता रखी है, सबसे नीचे आरओसी, उसके ऊपर आरडी और उसके ऊपर सरकार है ही है। तो कहते हैं सीजी इज ऑफ ओपिनियन, एक ही लाइन है यहां पे, सीजी इज ऑफ ओपिनियन, मोदी साहब का मानना है हालात ही कुछ ऐसे हैं, डैट सरकमस्टांसेस, आर सच, कि हालात ही कुछ ऐसे हैं। ध्यान दीजिए अब हमारे देश में इतनी कंपनियां डूब रही हैं, अभी पीछे कुछ रोज पहले यस बैंक का कांड हो गया, अरे हाँ या ना, तो क्या है, हालात ही ऐसे हैं, क्या होनी चाहिए, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन, क्योंकि यस बैंक के कल फाइनेंशियल्स डिक्लेयर हुए तो उनका इस क्वार्टर का जो लॉस दिखता है दैट इज समथिंग अराउंड अप्रोक्स 25,000 करोड़। मैं 18 पे भी आता हूं, बच्चा कह रहे 18,000, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो 25,000 करोड़ का इसलिए हुआ है क्योंकि वो प्रोविजन फॉर बैड डेट अलाउ हुई, वो अलाउ होने से तो जो उनका टैक्स बन रहा था वो रिड्यूस हो गया, इसलिए वो रिड्यूस होके कितना आ गया 18,000। अगर वो प्रोविजन की एंट्री ना डलती फॉर बैड डेट की पीएनएल में तो आपके वो टैक्स भी जाता, तो इसलिए नेट कह लीजिए 18,000 करोड़ कुछ का लॉस है। तो वो इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन तो करनी पड़ेंगी, हालात ऐसे हैं। और आप देखिए ना देश का इकोनॉमिक सिस्टम बचाना कितना इसमें टफ हुआ पड़ा, सरकार को सरकार चलानी मुश्किल हुई पड़ी है, लेट मी टेल यू, हल बिकॉज चाहे वो कोरोना को या हमारे जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं,
पीएमसी बैंक डूबा, यस बैंक का अकाउंट हुआ, और बाकी बैंकों को तो आपने क्या किया, उनकी शादी करके बचाया कि चलो अलग अलग खाना खा रहे हो, इकट्ठे खाओगे सस्ता पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि दो अलग अलग जगह रहोगे, खर्चा तो उतना आएगा, इधर वो पीजी उधर हम पीजी, मतलब दो दो अलग बिल्डिंगें। तो ये जितने भी बैंक्स हैं जो नेशनलाइज बैंक्स थे, उनका अमेलगमेशन क्यों हुआ? वे ट्राइंग टू सस्टेन रादर सर्वाइव। इस समय तो सिचुएशन नहीं है, तो सरकार को करनी पड़ती है भाई। अब इंटरेस्टिंग हिस्सा आ रहा है ए, बट आपको क्या लगता है मोदी जी इतने फ्री हैं? वो तो पहले ही डेलीगेट कर दिए थे, किसको? आरडी को। अब आरडी क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा किसको? यहां शब्दों को देखिएगा, आरओसी। अरे यार, फिर से आरओसी आ गया घूम फिर के। लेकिन एक नया चीज आया ना, वो कैच करने का है, इंस्पेक्टर। डायरेक्ट आरओसी और इंस्पेक्टर। सर ये पुलिस वाला है क्या? नहीं, डायरेक्ट आरओसी और इंस्पेक्टर टू कैरी इंक्वायरी, कि आप इंक्वायरी कीजिए। बी, डायरेक्ट इंस्पेक्शन किसकी? वही डाई। डाई में क्या था? बुक्स ही तो है। तो दोनों चीजें आ गई ना, देखिए इंक्वायरी शब्द भी है आपके साथ में और आपके पास क्या है, इंस्पेक्शन भी है। बट फर्क क्या पड़ा? अब सीजी के कहने पे गेम हो रही है, कर कौन रहा है? घूम फिर के वही आरओसी या मे बी एक अलग ऑफिसर जिसका नाम हमने क्या दिया यहां पे, इंस्पेक्टर। और ये इंस्पेक्शन कौन करेगा? बाय इंस्पेक्टर और एनी अदर स्टैच्यूटरी अथॉरिटी। स्टैच्यूटरी समझते हैं, जो किसी ना किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई है। तो मैं बता दूं, हमारे कंपनीज एक्ट में भी आगे हम पढ़ेंगे एक अथॉरिटी, सफाइयो कहता हूं मैं तो शॉर्ट में से, शायद नाम सुना भी होगा आपने, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। अब ऑब्वियसली यस बैंक वाले राणा कपूर के ऊपर भी वो जाएंगे, पीछे आईएलएफएस डूबी थी तब भी, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो स्टेचुटरी अथॉरिटी ब्रैकेट में लिखना है तो सफाईओ लिख सकते हो, SFIO। तो बच्चों 206 लगभग खत्म होता है, या मैं एक हल्का सा एक वर्ड लिख रहा हूं, कुछ नहीं लिख रहा हूं, हल्का सा एक वर्ड, वो भी पहले कॉलम में, दैट्स इट। ड्यूटी है साहब किसकी? ऑफ कंपनी एंड ऑफिसर्स। कंपनी एंड उसके ऑफिसर्स की ड्यूटी है, और इस पे आता है ये 206 सबसेक्शन 2, क्योंकि ऊपर आप देखें एक था, तीन था, चार था, पांच था, छह था, दो नहीं था, तो इसलिए लिख के दे रहा हूं। क्या ड्यूटी होगी इनकी, आप बता दो ना। बस टू फर्निश डाय। तो बस यहां कुछ नहीं है, डाय डाय है और कुछ नहीं है। और नहीं फिनिश फर्निश करोगे तो क्या ठुकेगी? पुंगी, अदरवाइज पेनल्टी। ऑन कंपनी एंड ओआईडी। ओआईडी आप सारे जानते होंगे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 60 में डेफिनेशन है। घूम फिर के उसमें कौन है? आपके केएमपी एंड डायरेक्टर हैं, तो फाइन लगेगा मैक्स 1 लाख रुपया। दूसरा 5,000 पर डे ऑफ कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस। एक लाख सीधे सीधे, और डेली के कितने और लग सकते हैं? 5,000। विद दिस गाइस 206 कम्स टू एन एंड। चलिए मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिए, कंसंट्रेट। बिना अपनी कॉपी या स्क्रीन देखे हमने क्या किया 206 को?
बड़ी बात एक चीज पकड़ लो, यहां इन्वेस्टिगेशन का कोई लेना देना नहीं है। अब याद करो, मैंने चैप्टर के नाम पे एक वर्ड लगा दिया था, इन्फॉर्मेशन। क्यों लगा दिया? सही लगा दिया। तो एक कॉलम आया इन्फॉर्मेशन का, दूसरा उसके ऊपर कौन आया? इंस्पेक्शन। ऑर्डर जरूर टिकाओ यार, फिर क्या आएगी? फिर इंक्वायरी, और इन्वेस्टिगेशन यहाँ है ही नहीं। तो इन्फॉर्मेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, तीनों जगह आरओसी था, लेकिन अब दो इकट्ठे किए हमने, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। यहाँ पे सीजी डेलीगेटेड टू आरडी था। तो पहले कॉलम में वो इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहा है? शक शिकायत। शक क्या हुआ? वो कागज हम फाइल करते हैं स्क्रूटनी पे। दूसरा, उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, देन उसे लगता है कि क्या मांगना चाहिए कंपनी से? डाय मांगना चाहिए। तो इसके लिए वो क्या दे देगा आपको? नोटिस दे देगा। देन अगले कॉलम में गए हम इंस्पेक्शन में, वो क्यों गया? क्योंकि हमने डाय दिए नहीं या इनकम्प्लीट दिए, तो उसे लगा आपके अफेयर्स क्या हैं, प्रेजुडिशियल हैं, कंपनी हो, पब्लिक हो, मेंबर्स हो, तो फिर वो क्या करेगा? क्योंकि अब बात आगे बढ़ गई है तो रिकॉर्ड करेगा रीजंस, और आपको क्या देगा? फिर से एक नोटिस। देन इंक्वायरी में क्यों गए? फिर आपने वही दो हरकतें करी, नहीं दिए या अधूरे दिए। लेकिन अब तीसरी बात महत्वपूर्ण आती है, वो क्या आती है? आरओसी की विचारधारा, क्योंकि हर जगह कॉमन फैक्टर था, आरओसी इज ऑफ ओपिनियन कि आप किसमें इन्वॉल्व हैं? फुई, गंदे कामों में। एफ, फ्रॉडुलेंट, अनफेयर, इनसाइडर ट्रेडिंग, गंदे कामों में हो गए वो, जी से ग्रीवेंसेस उनके मीट नहीं कर रहे हो। तो अगेन वो क्या दिया आपको? आपको नोटिस देगा कि वो कॉमन फैक्टर है, मैंने हिंदी में लिखवा भी दिया था कि डायरेक्ट देके जाओ, और वो इंक्वायरी करेगा आपको आरओएच के बाद, और ऑब्वियसली आपको आपके एलिगेशंस तो बताएगा कि फुई हो या गंदे हो। क्लियर है? देन सीजी वाले में क्या था? अगर हालात ऐसे हैं, हालात, तो वो मैंने आपको उदाहरण के रूप में बोल दिया, चाहे वो यस बैंक वाला में बोला था, लिख के छोड़ लो, कल आप पागल क्यों हो गए? ठीक है, तो नया नया फ्रॉड तो यस बैंक का ही है। तो वो किसको बोला ये इंस्पेक्शन और इंक्वायरी के लिए? तो जहां तक इंक्वायरी का सवाल था, आरओसी या इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्शन में फिर क्या दिखा आपको? इंस्पेक्टर या फिर कोई और स्टैच्यूटरी अथॉरिटी। सब सेक्शन दो में था, कंपनी के अफसरों और कंपनी को ये कागज डाय देने पड़ेंगे, वरना पुंगी थी मैक्स लाख रुपए की एंड 5,000 पर डे की। सेटिस्फाइड? अब आप मेरा पेज देखें तो मेरे पास जगह होगा, पक्का होगा, अच्छा खासा है। तो मैं उधर एक रो है, उधर से 207 खींचूंगा। कौन सा सेक्शन? वो लिंक है, 207 के बाद 208 पे आऊंगा। तो मुझे मालूम है मेरा 208 नहीं आएगा, बट मेरे को मालूम है नीचे मेरे पास जगह है, एंड आई एम गोना डू इट मैन। सो बेटा एक बार बताना मोटा मोटा, वो इंस्पेक्शन इंक्वायरी कौन करने वाला है? आरओसी। लेकिन अगर सीजी वाले केस में था तो कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर हो सकता है। तो बस गेम यहां पे है। सेक्शन 207 कंडक्ट करेंगे ऑफ व्हाट? इंस्पेक्शन या फिर क्या? इंक्वायरी। कौन करेगा? यही तो सीख के आए वहां से, घूम फिर के, या तो आरओसी था या कौन था? इंस्पेक्टर। ठीक है ना, ये लोग करेंगे। तो जब ये लोग करेंगे तो कारण क्या थे? आप डाई नहीं दिए थे ना, देने पड़ेंगे, और क्या ड्यूटी है किसकी? कंपनी के अफसरों की। डी से डायरेक्टर, कहां पढ़ते हो? सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 में डेफिनेशन। ओ से ऑफिसर, सबसेक्शन 59 में। ई से एम्प्लॉय, अरे ये लोग होते हैं कंपनी में। और जब मैं ऑफिसर वर्ड लिख देता हूं उसमें एक चीज क्लैरिटी हो जाती है, मैंने हमेशा से आपको बताया है, इंटर के दिनों से भी जो मुझसे बड़े हैं यही कहता हूं, ऑफिसर इज इक्वल टू KMP प्लस वॉट? डायरेक्टर। तो जैसे ही ऑफिसर वर्ड आ जाए सारे आ गए। KMP स्टैंड फॉर वॉट? की मैनेजीरियल पर्सोनल। तो इन लोगों का ड्यूटी है क्या करें? टू प्रोड्यूस, पेश करो। क्या पेश करो? डाय, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन एंड असिस्ट, सहायता करो।
उनकी इंस्पेक्शन इंक्वायरी में खत्म, कुछ भी नहीं, बिजनेस स्टडीज। अब है राइट्स, रिवर्स आ रहे हैं, पहले था ड्यूटी अब है राइट्स। अरे किसके? नेचुरल है, आरओसी या इंस्पेक्टर का होगा, उन लोगों का तो होने से रहा, उन लोगों की तो सिर्फ क्या होनी है, ड्यूटी। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ आई आई, व्हाट इज आई आई? हाँ तो पूरा लिख लीजिएगा, मैं आई आई लिख रहा हूं, इंस्पेक्शन इंक्वायरी। तो उनकी आगे ड्यूटीज, हमारे आगे राइट्स। तो क्या राइट्स आए हमारे? तो जैसे हम ये कागज ले रहे थे, उन कागजों का अपन क्या बना सकते हैं, मेक कॉपीज, उनकी कॉपीज ले सकते हैं। अरे सर कौन से कागज? अरे मैं लिख गया था यार 2/12, 2/13। दरअसल 2/12 में क्या आया, एज आई सेड, बुक एंड पेपर एंड बुक और पेपर। दरअसल बुक एंड पेपर की डेफिनेशन को खोलते हो तो जैसे मैंने कोड की आपको बताई थी, कौन सी, डैड वॉक्स वॉगन पे मेरी पी के, तो डैड में जो ए था उसका मतलब ही क्या था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो 2/13 में, तो दरअसल 2/12 इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं 2/12 को हमेशा बेस लेता हूं क्योंकि डैड में डी से क्या है, डॉक्यूमेंट भी आ गया, तो 2/36 में आ गया। तो 2/12 की डेफिनेशन बच्चों को आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता सीए फाइनल में हमें ये डेफिनेशन वो लोग पूछने वाले हैं। तो आप उनकी कॉपीज बना लो। बी, प्लेस लगा दो, प्लेस ना अच्छा लगे तो पुट लिख लो, पुट व्हाट, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, समझ गए, किताबें चेक कर रहे थे तो जहां आपको जाली एंट्रियां दिखेंगी लाल पेन इस्तेमाल कर लो कि हाँ दो, इसकी एक्सप्लेनेशन अगले उन्होंने दी नहीं होगी। और सी, आपकी पावर्स हैं और ये हैं सीपीसी की, बड़ी सीपीसी, क्विक सिविल प्रोसीजर कोड। देखिए कोर्ट में केस जाते हैं, दो प्रकार के होते हैं, या तो सिविल केसेस या कौन से, क्रिमिनल। तो ये जो आरओसी और इंस्पेक्टर को है ना, एक तरह से हमने जज की पावर दे दी, लेकिन कौन से वाली, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की। और ये बनती है 7 पावर्स, हर एक्ट में आप ये पढ़ते हो, टोटल कितनी, 7। एक बार आप कहो तो मैं शॉर्ट में नहीं लिख देता हूं, ये जो 7 पावर्स हैं शॉर्ट में लिखूंगा, बाद में हर किसी एक्ट में आ जाएंगी। सबसे पहले इनके पावर्स, पावर होती है क्या इश्यू करने की, समन्स, ये किसी को भी समन भेज सकते हैं। भेजने का मतलब ही क्या है, इनफोर्सिंग अटेंडेंस, अगले को आना ही पड़ेगा। तीसरी बात, प्रोड्यूसिंग, यही डाय, अगले को आप कंपेल कर सकते हो कागज पेश कर। देन एविडेंस ऑन ओथ, इसका मतलब क्या है, वो शब्द पे आप अगले से पूछ सकते हो। देन इश्यूइंग कमीशन, सर ये कमीशन, अरे वो खाने वाला नहीं हो, इश्यूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, विटनेस बुलाने हैं तो वो बुला सकते हो, उनको बुलाने के नोटिस को अपन कमीशन कह देते हैं लॉ में। देन 5 होगी, 6 एक्स पार्टी ऑर्डर, एक्स पार्टी का मतलब होता है अगर एक पार्टी ना भी आए, वन साइडेड ऑर्डर आप पास कर सकते हो, वरना हम जानते हैं जब भी कोई कोर्ट का ऑर्डर आता है दोनों पार्टी की आर्ग्यूमेंट के बाद ही आता है। एंड लास्ट है रिव्यूइंग इट्स ओन डिसीजंस, इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो ऑर्डर पास किए हैं आप उन्हें दोबारा से रीचेक खुद कर सकते हो। तो ये सीपीसी की पावर्स है आपके पास। नाउ वेरी नाइस वन कमिंग अप, स्टार डाल रहा हूं, पेनल्टी, स्टार वाली पेनल्टी है, कारण क्या है वो अभी आप समझ जाओगे। फॉर डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट किया, ऑन वो जो ऊपर मैं लिख रहा था, डोई, डीओई, व्हाट इज डीओई, पूरा लिख लेना, डाई नहीं है, डी फॉर डायरेक्टर, ओ फॉर ऑफिसर, ई फॉर एम्प्लॉई, आप पूरा लिख लेना, नो एब्रीवेशन, बाद में को मर जाना, कहीं डाई लिख देता कहीं डोई लिख देता, हम तो खत्म हो गए, पता नहीं क्या पढ़ के आए हम। सवारी अपने सामान की आप जिम्मेवार है।
पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट ऑन डोई इफ कन्विक्टेड, अगर गुनाह साबित हो गया, अरे वो तो नेचुरल है, पेनल्टी तभी लगती है कॉन्विक्ट हो गए। बड़ा मस्त पॉइंट है। टू वकेट ऑफिस, अरे बाप रे बाप, तो डैट मीन्स अगर आप डायरेक्टर हो तो आपको अपनी कुर्सी क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। डायरेक्टर हो, ऑफिसर हो, एम्प्लॉय हो, एंड डिस्क्वालिफाइड, साथ में आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, किससे? फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस इन एनी कंपनी। मतलब एक तो जहां हो वहां कुर्सी छोड़ोगे, और कहीं पे और पे क्या नहीं हो सकते, आप अपॉइंट नहीं हो सकते। डिस्क्वालिफाइड का मतलब आप अपॉइंट नहीं होंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है सर इसमें, सुनना। चैप्टर नंबर 11 में हम पढ़ते हैं डायरेक्टर की वकेशन, कि डायरेक्टर को कब कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, उसके ग्राउंड्स पढ़ते हैं हम, क्लियर है? वहां ये वाला एक्सप्रेसली नहीं हम कह सकते कि लिखा हुआ है, तो इसलिए आप बच्चे जब डायरेक्टर्स पढ़ते हैं तो प्लीज यहां ब्रैकेट में लिखिए हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, कौन से सेक्शन के साथ, 167। एंड कौन लोग डायरेक्टर नहीं बन सकते उसके ऊपर कौन सा सेक्शन है, 164 है। तो वहां पे भी एग्जैक्टली कहें कि ये वाला पॉइंट एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है तो पता होना चाहिए। तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कौन से सेक्शन की, 164 की। तो मैं ये कहूंगा जिन्होंने डायरेक्टर पढ़ा हुआ है वो 164 और 167 में एक नोट डाल के ये 207 लिख देंगे तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि बच्चा एग्जाम में बैठता है और वो क्या लेके चलता है, अरे 167 के ये ग्राउंड्स है वेकेशन के, लेकिन उस ग्राउंड्स में ये वाला सीधा सीधा दिखा नहीं, तो वहां नोट डाल के छोड़ दीजिए 164 एंड 167 में। अदरवाइज हम सीधी सीधी बात करें, कोई ऐसा सच कोई लिंक नहीं है डायरेक्टर्स का आगे ये कोई आए, तो एक हल्का सा पॉइंट है, वो भी मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं और कुछ नहीं है, वरना बच्चों को किसी को पता भी ना चले हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होती है, बट यू नो इट, मैंने एक एक सेक्शन आपको हार्मोनियस पढ़ाया। एंड जेल होगी बेटा आपको, इम्प्रिजनमेंट लिख लेना, जेल थोड़ा हिंदी में लिखना शॉर्ट पड़ता है इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आप पूरा इम्प्रिजनमेंट कहीं पेपर में मेरी तरह ही लिखा हो, जेल 6 महीने और लग जाने हैं, 1 साल मैक्स एंड फाइन। बताना फाइन कितना लिखा मैंने, इसका मतलब है मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 1,00,000, ताकि वो जितना हम शॉर्ट में लिखे। अच्छा खूबसूरत चीज क्या दिखी है आपको, 207 खत्म हो गया बच्चों, खूबसूरत चीज पेनल्टी में क्या दिखी है आप बताओ ना, हाँ कुछ कह रही हो सिमरन, खुल के कहो ना, उधर भी 1,00,000 थी, हाँ हाँ 206 में भी 1,00,000 थी, इधर भी 1,00,000 है, इसमें बड़ी बात यह 206 में कोई जेल नहीं थी, यहां जेल पक्का है, हिंदी में लिखो जेल के साथ या ब्रैकेट में, जेल पक्का है क्योंकि वर्ड क्या ठुका हुआ है, एंड ठुका हुआ है। भाई साहब तीन परिणाम हो गए, एक तो कुर्सी गई, जीवन भर गई, अपॉइंट नहीं हो गए, साथ में जेल पक्का जाओगे, साथ में शगन भी लेके जाओगे, तो दैट्स व्हाई आई लाइक द पेनल्टी। और पेनल्टी स्टार डालने का वजह वकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ज्यादा था, कि अगर ये घुमा के डाल देंगे पर्सन, भाई अपने को नहीं उनके ट्रैप में फंसना। Is that okay? तो बेटा क्या था 207 में, कुछ नहीं, अरे 206 में आरओसी इंस्पेक्टर को पावर मिला था इंस्पेक्शन इंक्वायरी करने का, वो करेंगे करेंगे तो कहां जाएंगे, कंपनी में, कंपनी में कौन होगा, उनका कर्मचारी होगा, कर्मचारी में कौन आ गया, सारा आ गया, अरे डायरेक्टर आया, ऑफिसर आया, एम्प्लॉई आया, उनको क्या करना है, सब कागज पेश करेंगे, तुम्हें असिस्टेंस देंगे, तुम्हारा हक है, तुम कॉपीज ले लो उन कागजों की, आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल दो, तुम्हारे पास सीपीसी की कितनी पावर है, 7 है, और ध्यान रहे अगर वो लोग अपना फर्ज नहीं निभाते हैं तो कुर्सी जाएगी और भविष्य में भी अपॉइंट नहीं होंगे, और भैया तुम जेल पक्का जाओगे 1 साल के लिए और तुम्हें जेल होगा, फाइन लगेगा
25,000 से 1,00,000, क्लियर? 207 यहाँ फिनिश हुआ। वैसे मैं बहुत तगड़े एनालिसिस यहाँ और भी दे सकता हूँ, मैं हल्का सा एक जिक्र कर देता हूँ। याद कीजिए, एक 164 सभी बच्चों को आता होगा। 164 में आप विशेष क्या पढ़ते हो? अगर कोई डायरेक्ट सब सेक्शन दो पढ़ते हो कि अगर कंपनी में 3 साल तक लगातार एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल हुई, या 1 बरस तक आपने दीदी की पेमेंट नहीं करी। याद है 3 दीदियां बताई थी आपको, कुंवारी, 2 शादी वाली, डिविडेंड, डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट। तो हम लोग ये पढ़ा करते थे, आपके ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन भविष्य की लगती है 5 बरस की। कितने बरस की? 5 बरस आप अपॉइंट नहीं हो सकते। यहां देखिए ना, आपने क्या लिख दिया, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस इन एनी, तो आप टाइम पीरियड तो बताए नहीं, तो क्या पूरा लाइफ हो सकता है क्या? तो बहुत सारी चीजें हैं, बड़े इंटरप्रिटेशन इश्यूज हैं, इतना नहीं जाएंगे, इतना ही बहुत है आपके लिए, क्लियर है? तो बच्चों 207 में हमने कंडक्ट किया, किसने कंडक्ट किया? अरे आरओसी या इंस्पेक्टर ने। क्या कंडक्ट किया रे? इंस्पेक्शन इंक्वायरी। अच्छा, इंस्पेक्टर किसके कहने पे किया? सीजी के। आरओसी भी कर सकता उसके कहने पे। करने के बाद क्या करना फर्ज बनता उनका, बताओ ना। हाँ, रिपोर्ट बना के दें, दैट्स इट मैन। इसलिए हम सेक्शन 208 यहीं लिखेंगे। 207 के साथ ही गेम 208 की जा रही है। और फटाफट बताओ, 206 की गेम किस में गई? 7 में गई। 7 से कहाँ गई? 8 में गई। दैट्स व्हाई वांटेड, ये कहाँ आए तीनों सेक्शन? ये पक्का एक पेज पे आ जाए, छोटा सा आंसर है, बड़े प्यार से आ जाएगा आपके, क्लियर? किसी को कोई इशू हो तो मे शो मी द कॉपी, बिल्कुल आएगा, जो मर्जी हो जाए, लाना था आपके ऊपर अगर ना आए तो ये लेके चलो, अब देखते हैं, पक्का आएगा। यप्स, उसने अपना रजिस्टर दिखाया, तुमसे 1/3 जगह है, जैसे तैसे करके आ जाएगा, टेंशन ना ले। ये रही चीज आपके सामने। अब देखो, आपने दिमाग लगाया तो रिपोर्ट वर्ड आपने बताया, मैंने थोड़े बताया, तो इस तरह से दिल लगाओ, सारी चीजें याद होंगी। मैं डायरेक्टर वाला, मुझे एक एक पॉइंट याद करना बड़ा पसंद आता है, टफ है ना, मजा आता है याद करके। लेकिन मैं असली टफ पता किसे मानता हूं इस चैप्टर को, क्योंकि इसमें जब दम नहीं है ये करके दिखाओ तो जाने, वो होना चाहिए हमारा। तो रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन मेड, रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन मेड, कहाँ हुई इंस्पेक्शन बताओ ना। अरे वही 206 से क्या बना? 207 बना। अरे हाँ या ना, तो रिपोर्ट बना के किसको दोगे? चलो बोलो। हाँ बेटा, दारू पी के जवाब नहीं देने, इंस्पेक्शन खुद आरओसी ने करी थी, तो रिपोर्ट बना के खुद को ही देगा, सीजी को ना, चाहे इंस्पेक्टर हो चाहे आरओसी हो, रिपोर्ट बना के किसको देगा? सीजी को देगा, बाय डिफॉल्ट ये आंसर निकलता है। लेकिन मैंने तो 2 डिब्बे बनाए, तो आप रिपोर्ट दोगे सीजी को, या आप बताओ ना और किसको दोगे? गाइस यू कैन डू इट। सीजी ये अपना पावर डेलीगेट किया था आरडी को, तो इसलिए किसको? सर वो तो उसमें कवर हो गया, नहीं हुआ नहीं ना, यही तो ब्यूटी है लॉ, इतना शरीफ है ही नहीं, मर जाना। दरअसल 208 में, समझने का है, 208 में जो रिपोर्ट बनेगी ना, कुछ तो पक्का सीजी को देनी देनी है, लेकिन कुछ किसको दोगे आप? आरडी को। जबकि आप 206 में देखते हो तो सीजी ने अपनी पावर किसको दे दी थी? आरडी को। लेकिन भाई साहब रिपोर्ट जाएगी सीजी को, उन्होंने ग्राउंड्स बायफरगेट कर दिया, इतना शरीफ लॉ बनाता ही नहीं ना, ये तो तुम्हारे पास डब्बा बना बना के दे रहा हूं, नहीं तो टीचर भी पढ़ाएगा, बड़ा मस्त पढ़ाएगा, 36 कहानियां तुम्हें सुना देगा, इधर की उधर की, बाद में पेपर से पहले। हाँ कोई था इंस्पेक्शन, तो ये मैं तुम्हें तो इतना माल तैयार करके लिखवा के, एक एक वर्ड, डैट विल बी इजी फॉर यू टू हैंडल, क्लियर? तो सीजी और आरडी की कुछ चीजें उन्होंने क्लियर कर दी। कहता है सीजी को कब देना? अगर ऑफेंसेस, फॉर ऑफेंसेस अंडर, अगर ये ऑफेंस हुए अंडर ये वाला चैप्टर, अंडर ये वाला सेक्शन। अरे बताओ ना, कंपनी सेक्ट में कितने चैप्टर हैं? 29। बताओ ना कितने सेक्शन है? 470।
अब चैप्टर सुनना, ये दो तुम्हें दिखेंगे, तुम लोग वंस अपॉन अ टाइम इंटर में थे। हाँ बच्चा, चैप्टर 10 में ऑडिट आता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप अपना दिमाग लगा रहे हो क्या बात करते हुए। 142 में साहब रेमुनरेशन होती है ऑडिटर की, आपके दिमाग में मुझे मालूम है क्या आ रहा है, 143 सब सेक्शन 12 में फ्रॉड। मैं समझ गया था आपके कहते, आप कहना क्या चाह रहे हो, आई अंडरस्टैंड। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 बताओ ना, चैप्टर 3 किस पे था याद करके। हाँ चैप्टर 3 किस पे था, प्रोस्पेक्टस पे था, और ये चैप्टर स्टार्ट होता था सेक्शन नंबर 23 से 42, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन, पहला चैप्टर हमेशा हर एक में सेम होता है प्रिलिमिनरी। चैप्टर 4 किस पे था, अब तो मैंने सेक्शन बता दिए, याद करो इंटर 43 से याद करो, शेर स्टार्ट हो जाता था, तुम्हें एक कोड की बना के दी थी कतरीना ना ना, याद आया पक्का, चलो जो भी याद आया। तो चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स पे था, फ्रॉम सेक्शन 43 टिल 72 तक। और चैप्टर नंबर 5 तो आपके जीवन में वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिपॉजिट्स, पूरी जिंदगी काम करते हो आप एज ए सीए, 73 से 76 से, और 77 से 87 और भी इंपॉर्टेंट आ जाता है क्योंकि चार्जेस है। और अगला तो किस पे है, जनरल मीटिंग पे है, क्लियर। तो पांचवा डिपॉजिट पे, छठा चार्जेस में, सातवां मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें मेन बात जनरल मीटिंग पे आती है, और वो आता है 88 से 122 तक, 123 से 127 तक चैप्टर 8 डिविडेंड, और 129 से 138 आपका अकाउंट्स, 139 से 148 ऑडिट, बाकी अगले तीन करवा दिए हैं, ये है 14। तो बिल्कुल ऐसे टिप्स पे आना चाहिए, ऐसा कंपनीज एक्ट पढ़े तो स्वाद है ना। तो समझ के, अगर आप किस चीज का कांड किए हो, प्रोस्पेक्टस एंड शेयर, तो अब लगाओ दिमाग, काय को दिया सीजी को रिपोर्ट, अरे आम जनता से तुम पैसा उठाया, प्रोस्पेक्टस कौन इशू करता है, सिर्फ पब्लिक कंपनी, कोई और तो कर नहीं सकता, तो शेयर डिबेंचर से पैसा उठाया ना, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर है क्योंकि सेक्शन 71 में डिबेंचर आता है, तो लोगों से पैसा उठाया, गलत कांड कर गए तो सीजी को सोचना पड़ेगा ना, आम जनता डूबेगी, स्टॉक मार्केट डूबेगी, फिलहाल तो कोरोना वायरस डुबो क्लियर। देन इन्होंने कुछ सेक्शन अलग से भी लिख दिए, तो सेक्शन इन्होंने 3 लिखे, 1 2 3, सेक्शन नंबर 127, 177 एंड 178। तो 127 बड़ा हॉट सेक्शन होता था इंटर में, है किसको याद, शी इज राइट, डिविडेंड 123 से 127 था, 127 में था क्या, 123 में डिविडेंड डिक्लेयर करने में 5 दिन में सेपरेट अकाउंट में डालना होता है और 30 दिन में देना होता है, नहीं दोगे तो पेनल्टी ठुकती थी अंडर सेक्शन 127। बिल्कुल ठीक जवाब, यू आर माई स्टूडेंट, डोडा पोस्ट नाम से कोड की इंटर में करवाई थी, आई एम प्राउड ऑफ यू सन। तो 127 में क्या था, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब चीज ये है लाइफ में जो भी पढ़े हो वो आपको इतने साल के बाद भी, चाहे मेरे कहने पे रिकॉल आज हो जाए, तो स्टिल यू आर सो ग्रेट। 127 तो मालूम ही है किस पे है, ऑडिट कमेटी कर चुके हैं। 178 किस पे है, एनआरसी एंड एसआरसी, तो ऑडिट कमेटी और एनआरसी तो याद है, सेम आंसर किस पे था, अरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला, क्लियर, एनआरसी एंड एसआरसी चाहे दोनों लिख लेना। अब आरडी को कौन से ऑफेंसेस का रिपोर्ट दोगे, तो अंडरस्टूड आंसर क्या निकला, ऑल अदर ऑफेंसेस, इसके अलावा आरडी को रिपोर्ट जाएगी, लेकिन उनमें एक कंडीशन है, अगर उन ऑफेंसेस में जेल लेस देन 2 ईयर्स हो, बाकी सारे ऑफेंसेस जहां जेल 2 साल से कम है वो आप आरडी को रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट में इंक्लूड रिपोर्ट में ही आप इंक्लूड कर सकते हो
एक रिकमेंडेशन, क्या रिकमेंडेशन? डार्थ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का बोलो ना। अरे सर, अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं आया था। तो ना 206 में है ना 7 में है, लेकिन 8 की रिपोर्ट में आप क्या कर रहे हो? रिकमेंड कर रहे हो केस और ऊपर लेके जाओ जी। ये तो छोटा मोदी, नीरव मोदी निकला, इसने तो वेब कंपनीज बना रखी हैं जी, 100+, 114। ये तो इतनी कंपनियों का सौदा खोलना पड़ेगा। ये राणा कपूर का केस और खोलना पड़ेगा जी, इसने किकबैक्स ली हैं 600 करोड़ की, और इसने 78 कंपनियां बना रखी हैं। ही इज हैविंग 78 अदर बिजनेस इंटरेस्ट वेर ही हैज डाइवर्टेड द फंड्स। इतनी कंपनियों का सौदा खोलोगे तो क्या लगेगी? इन्वेस्टिगेशन लगेगी, सारी एजेंसियां घुसेड़नी पड़ेंगी। डेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी है इन टू अफेयर्स ऑफ कंपनी एंड प्रोवाइडिंग रीजंस इन रिपोर्ट। और कारण बताओ क्यों इन्वेस्टिगेशन, कारण क्यों? अरे यार, ये इंस्पेक्टर वगैरह भी तो घूस खा जाते हैं, और फिर कहते हैं बेटा मैं तेरा कांड करूंगा, तेरी तो इन्वेस्टिगेशन खुलवाऊंगा। तो बेटा लिख कारण, क्योंकि हमारे देश में तो फेमस है, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, देके छूट गए। इट्स सिंपल। आज तक इस देश में एलिगेशंस प्रूव ही कहां पे होते हैं? समस्या तो यही है। अब आप देख सकते हैं मेरा भी पेज इधर से ही एक फिनिश हो गया है, तो कोई बात नहीं, ये है ना मेरे पास जगह, मैंने क्या करना है इसमें, लिखना है और क्या करना है। लेकिन कोई बहुत बड़ा नहीं है, मेन तीन छोटे छोटे से पॉइंट है। तो आपने क्या करी, रिपोर्ट सबमिट कर दी। आफ्टर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट सबमिट होने के बाद, ध्यान से शब्द को देखना, RD2। अरे बाप रे बाप, ये तो RD आ गया रे। ए एग्जामिन इट, पढ़ेगा वो इसे, एंड ऑब्टेन लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस ले वो, एंड सबमिट टू CG। तो अल्टीमेटली देख रहे हो, रिपोर्ट जा तो किसके पास रही है? CG के पास ही जा रही है, चाहे, क्योंकि CG ने अपनी पावरी तो डेलीगेट करी थी यार 206 में, तो वो RD के थ्रू राउट हो रही है। वो लीगल एडवाइस लेगा, CG को सबमिट कर देगा, कई को सीकिंग, क्योंकि वो CG से चाहेगा इनिशिएशन। इनिशिएशन बोले तो स्टार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, कि भाई इन अफसरों और इस कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्या करी जाए, बच्चों चालू की जाए। इज दैट ओके? सीकिंग इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, इनिशिएशन मीन्स स्टार्ट, प्रोसिक्यूशन मीन्स कानूनी कार्रवाई। दो पॉइंट और हैं, डायरेक्ट सेम ही इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, अब वो डायरेक्शन देगा कार्रवाई स्टार्ट की जाए। इफ एग्रीज, ये को लिखना कोई जरूरी नहीं है, छोड़ भी सकते हो ये लाइन। इफ एग्रीज विद रिकमेंडेशन ऑफ ROC या फिर इंस्पेक्टर, कार्रवाई किसके खिलाफ? अगेंस्ट कंपनी, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज। बताना, डायरेक्टर बच गए क्या? नहीं बचे। डायरेक्टर किसके अंदर आ जाते हैं? ऑफिसर में, मत भूलो ना। कौन से ऑफिसर, कौन से एम्प्लॉय? कोई से भी, कोई से भी मतलब, अरे ये लोग कंपनियां छोड़ के भाग जाते हैं, चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो। जैसे अनिल अंबानी की कंपनीज में से उसके लड़के भी रिजाइन कर गए,
क्लियर, चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो, और जरूरी नहीं है एम्प्लॉय वगैरह ही हो, अदर पर्सन कोई भी आदमी हो सकता कनेक्टेड विद कंपनी। तो कोई मेरे को रट्टा ही नहीं मारना इस पॉइंट को, कहे को सिंपल सा तो है। ठीक है, लास्ट पॉइंट सी, इनफॉर्म सीजी अबाउट एक्शन टेकन ऑन रिपोर्ट। जो रिपोर्ट पे एक्शन लिया बता दीजिए। साथ में एक चीज और, एंड रीजंस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस किस चीज की, ऑफ रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन, ऑफ आरओसी और इंस्पेक्टर। जैसे लेके चलो, आरओसी और इंस्पेक्टर ने क्या लिख के दिया था, इन्वेस्टिगेशन करो। अब आप नहीं करते हो तो सीजी को बताओ, पता चले हमारे आरडी साहब ही पैसा खा गए। क्लियर, तो तीन चीजें आपकी आई हैं आरडी के ऊपर, एक उसको एग्जामिन करो, फिर क्या स्टार्ट करो प्रोसिक्यूशन, एंड देन सीजी को क्या बता दो जो जो आपने एक्शन लिया है ऑन रिपोर्ट। तो 208 को आप खोलिए, कुछ नहीं था, इंस्पेक्टर आरओसी ने वो 207 में कंडक्ट करी, तो उस इंस्पेक्शन की आप रिपोर्ट बना के दे रहे हो सीजी को, उन्होंने क्लियर कह दिया, चाहे चैप्टर 3 का हो, 4 का हो, 127 हो, 177 हो, 178 हो, आरडी को बाकी ऑफेंसेस, लेकिन जिनमें जेल क्या हो 2 साल से कम, और आप अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड कर सकते हो क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो जैसे ये रिपोर्ट आ गई, अब आरडी जो साहब हैं उनको तीन चीजें करनी है, ये रिपोर्ट पढ़नी है, लीगल एडवाइस लेनी है, गवर्नमेंट को बताना है कार्रवाई करने के लिए। अब कार्रवाई आप करो, और उसके बाद जो जो कार्रवाई में एक्शन लिया है आप बता दीजिए किसको, सीजी को, लेकिन ध्यान दीजिए जो भी एक्शन लेना नहीं लेना है आपको अपने रीजन तो कोट करने पड़ेंगे, रिकमेंडेशन मान रहे हो या नहीं मान रहे हो। क्लियर, तो कट्ठा 206 को एक बार दिमाग में फिर बिठाओ, क्या आया, इंफॉर्मेशन आया, इंक्वायरी आया, क्या आया, इंक्वायरी से पहले इंस्पेक्शन आया, इंफॉर्मेशन इंस्पेक्शन इंक्वायरी, ऑर्डर ठीक रहना चाहिए, तीनों में कौन था, आरओसी था, काय को इंफॉर्मेशन शक हुआ, शिकायत हुआ, तुम क्या मांगे, डाई मांगे, वो नहीं दिया, वो क्या किया, अधूरा दिया, तुम्हें लगता है उसका अफेयर्स क्या है, प्रेजुडिशियल है, तुम रीजन रिकॉर्ड किया, फर्दर क्या दिया, नोटिस दिया उसको इंस्पेक्शन करने के लिए, इंक्वायरी में क्यों गए, अरे फिर से वो दो काम किया, लेकिन अब हमें पूरी की पूरी शंका है कि वो किस में इन्वॉल्व है, फुई में, एंड ग्रीवेंसेस मीट नहीं कर रहा, तो अगेन रीजंस रिकॉर्ड करेंगे, वही उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एलिगेशन आरओएच वगैरह देंगे। सीजी कब आया, उनको हालात कुछ बहुत ही बड़े खतरनाक लेवल पे अगर उन्हें लगते हैं तो वो आगे डेलीगेट किया आरडी को, लेकिन ये काम वो किससे करवाएगा, आरओसी या इंस्पेक्टर से, अपना इंक्वायरी वाला और इंस्पेक्शन वाला, इंस्पेक्टर या कोई भी स्टैचूटरी अथॉरिटी से। 207 में ये इंस्पेक्टर और आरओसी गया, तो वो ड्यूटी या कंपनी का अफसर वगैरह का वो सब पेश करे, डाइड हुई, आपका राइट है, कॉपी ले, आइडेंटिफिकेशन मार्क ठोके, सीपीसी के साथ आपके पास क्या है, पावर्स हैं। दूसरा, अगर वो लोग कॉन्विक्ट हो गया, कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, वकेशन, भविष्य में डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, जेल जाएंगे 1 बरस, साथ में पूंगी 25,000 से 1 लाख की। 208 में तुम रिपोर्ट बनाओ, सीजी को दो, आरडी को दो, इन्वेस्टिगेशन का फर्दर बोल सकता है, और बाद में आरडी क्या करेगा, तीन तरह का एक्शन लेगा, वो पढ़ेगा, डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन करेगा, और एक्शन जो लिया उसका रिपोर्ट बना के सीजी को देगा, तुम्हें उसका रिकमेंडेशन ठीक लगा था या नहीं लगा था तो विद कारणों के साथ तुम्हें सीजी को बताने का है। तो आओ अब हम चलते हैं कहां पे, बोलो ना, एमसीए की साइट पे हम चलते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एमसी की साइट, लेट्स गो टू, हेलो ऐसे मत करो यार, बैड, चैप्टर नंबर 14 गाइस, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और ये रहा 206, और आप सिंपल देख रहे हैं, वर्ड क्या है, इंफॉर्मेशन इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। चलिए अब हम बुलाते हैं किसको,
सेक्रेटरी, प्लीज इसे पढ़ा जाए। Chapter 14 Inspection, Inquiry and Investigation. Power to call for information, inspect books and conduct inquiries. Notified date of section, 1st April 2014. 206, 1, where on a scrutiny of any document filed by a company or on any information received by him, the registrar is of the opinion that any further information or explanation or any further documents relating to the company is necessary, he may by a written notice require the company, A, to furnish in writing such information or explanation, or B, to produce such documents. तो आपने देखा ये हमने दो चीजें लिखी, स्क्रूटनी वर्ड मैंने पिक किया, आ गया पहली लाइन में, इंफॉर्मेशन वर्ड आ गया पिक, और आरओसी को लगता है कि फर्दर क्या चाहिए, डाय डॉक्यूमेंट वर्ड है, आई इंफॉर्मेशन है, ई एक्सप्लेनेशन है, क्या दिया वो तुम्हें नोटिस में दिया कि क्या दे जाओ, डाय दे जाओ विद इन टाइम स्पेसिफाइड, क्लियर। तो जितना मैं इजी कर सकता था वैसे लिखवा दिया आपको, चलिए। विद इन सच रीजनेबल टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। Two, on the receipt of a notice under subsection 1, it shall be the duty of the company and of its officers concerned to furnish such information or explanation to the best of their knowledge and power and to produce the documents to the registrar within the time specified or extended by the registrar. Provided that where such information or explanation relates to any past period, the officers who had been in the employment of the company for such period, if so called upon by the registrar through a notice served on them in writing, shall also furnish such information or explanation to the best of their knowledge. तो देखिए हमने सबसेक्शन दो जाके नीचे लिखा था कि कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉयज वगैरह जो हैं उनकी क्या रहेगी है ड्यूटी, और दूसरा आप प्रोविजन में देख रहे हैं पास्ट और प्रेजेंट। अभी मैंने 208 में पास्ट प्रेजेंट लिखवाया, चाहे वहां पे भी आपने लिखना है ड्यूटी ऑफ कंपनी ऑफिसर्स, जो चाहे ब्रैकेट में लिख दो पास्ट प्रेजेंट, ये पूरे के पूरे चैप्टर में पास्ट प्रेजेंट ऐसे ही चलेगा। चलिए। If no information or explanation is furnished to the registrar within the time specified under subsection 1, or if the registrar on an examination of the documents furnished is of the opinion that the information or explanation furnished is inadequate, or if the registrar is satisfied on a scrutiny of the documents furnished that an unsatisfactory state of affairs exists in the company and does not disclose a full and fair statement of the information required, he may, by another written notice, call on the company to produce for his inspection such further books of account, books, papers and explanations as he may require at such place and at such time as he may specify in the notice. Provided that before any notice is served under this subsection, the registrar shall record his reasons in writing for issuing such notice. तो देखिए मैंने सिंपल वही लिखवा है, नहीं मिले या अधूरे मिले, और मैंने एक वर्ड लिखवाया था इफ अफेयर्स ऑफ कंपनी आर प्रेजुडिशियल, एग्जैक्टली वो वर्ड नहीं दिखता, लेकिन अगर आप फोर्थ में देखें अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ अफेयर्स एग्जिस्ट, तो थोड़ा सा आप उसको इजी करना चाहते हो इसलिए लिखवा दिया आपको, राइट। चलिए। If the registrar is satisfied on the basis of information available with or furnished to him or on a representation made to him by any person that the business of a company is being carried on for a fraudulent or unlawful purpose or not in compliance with the provisions of this act, or if the grievances of investors are not being addressed, the registrar may. तो अभी आप देखिएगा मैंने फुई लिखवाया था, फ्रॉडुलेंट है, अनलॉफुल है, आई नहीं लिखा इन्होंने, वो मैंने थोड़ा अटैच कर दिया, काहे को पूरा सेबी एक्ट में फुई फुई करने का है, फ्लो में जाने दीजिए, और ग्रीवेंसेस आप देख रहे हो। Informing the company of the allegations made against it by a written order, call on the company to furnish in writing any information or explanation on matters specified in the order within such time as he may specify therein and carry out such inquiry as he deems fit after providing the company a reasonable opportunity of being heard. Provided that the central government may, if it is satisfied that the circumstances so warrant, direct the registrar or an inspector appointed by it for the purpose to carry out the inquiry under this subsection. तो ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने सेक्शन क्या लिए थे, सेम लिए थे, आप चेक करो इंक्वायरी वाला सबसेक्शन 4 था, और फिर देखो सीजी वाले में भी क्या दिखा आपको 4, क्योंकि वो प्रोविजन आ गई ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है तो, क्लियर। और ये सब सेक्शन इतने लॉन्ग रन में कोई याद नहीं रहने, तो ये सेक्शन इतना भी हम कहेंगे कोई पैसा लगाने वाला इन्वेस्टमेंट वाला है तो दिमाग मत खराब करना अपना, सिंपल टॉपिक टिप का लो। The company has been or is being carried on for a fraudulent or unlawful purpose. Every officer of the company who is in default shall be punishable for fraud in the manner as provided in section 446. Now this is very important coming up. क्योंकि ये बार बार आएगा,
देखो एक चीज पक्का पढ़ लो, ये वर्ड मैंने आपको लिखवाया भी नहीं है। क्या लिखा है? अगर आप फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, क्या इन्वॉल्व हो? फ्रॉड में, तो पेनल्टी कौन सी लगेगी? 447। इंटर से ही आपको, हम इंटर क्या, मैं तो फाउंडेशन में भी यही बोलता हूँ, जहां कंपनीज एक्ट में वर्ड कौन सा मिल गया फ्रॉड, वहां 447 की पेनल्टी मिलनी है। ये मैं अभी आपको अगले सेक्शन में लिखवाने वाला ही हूं, बाकी चाहे पहले पेज पे क्योंकि स्टार्ट हो गया, चाहे नोट डाल के लिख दो, जहां जहां वर्ड फ्रॉड है वहां 447 की पेनल्टी है। कहीं भी पहले पेज पे ही नीचे नोट डाल के लिख दो, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही रहना है यार। बाकी मैं अगले में ही 447 भी हल्का सा आपको पढ़ाने वाला हूं, जबकि लेटर ऑन 447 कहां आएगा? हमारे आखिरी चैप्टर में आएगा, चैप्टर नंबर व्हाट 29, मिसलिनियस। चैप्टर स्टार्ट होता है 29, 447 से ये जाता है 470 तक, आखिर तक। ये अंडरस्टूड चीज है, जहां पूरे के पूरे एक्ट में फ्रॉड है 447 की पेनल्टी है। Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the central government may, if it is satisfied that the circumstances so warrant, direct inspection of books and papers of a company by an inspector appointed by it for the purpose. Notification dated on 29 April 2014. 6. The central government may, having regard to the circumstances by general or special order, authorize any statutory authority to carry out the ध्यान दीजिए सबसेक्शन 6 में, और मैंने नीचे लिखवाया भी, इंस्पेक्शन से रिलेटेड कौन करेगा? इंस्पेक्टर या स्टेचुटरी अथॉरिटी। और जबकि इंक्वायरी से रिलेटेड मैंने दो पॉइंट बनाए हैं सीजी वाले कॉलम में, कि इंक्वायरी के लिए वो किसको बोलेगा? आरओसी और इंस्पेक्टर। तो हल्का सा टेक्निकल फर्क है, बट इतना टेक्निकल फर्क लॉन्ग रन में क्या नहीं है रहने वाला याद। लॉन्ग रन में तुम्हें ये याद रहेगा, इंक्वायरी हो इंस्पेक्शन हो कौन करेगा? आरओसी या इंस्पेक्टर। बिकॉज आई नो इट, जितना मर्जी टेक्निकल चल लो, अल्टीमेटली तो बच्चे ही हैं बेचारे। If a company fails to furnish any information or explanation or produce any document required under this section, the company and every officer of the company who is in default shall be punishable with a fine which may extend to 1 lakh rupees, and in the case of a continuing failure, with an additional fine which may extend to 500 rupees for every day after the first during which the failure 5 continues. चेक करना एक बार, पेनल्टी कितनी लिखी है हमने? Chapter 14 inspection inquiry हाँ? क्या क्या लिखा? नहीं, कहाँ और लिखा है भाई? मैक्स 1 लाख है एंड? नहीं, वो तो अंडरस्टूड ही है, वो तो दोनों ही चीजें हैं। दिस वाज 500, 500 5000 लिखा गया ना, 5K लिख दिया, 500। चलिए इसके बाद conduct of inspection and inquiry notified date of section 1 April 2014 207 1 where the registrar or inspector calls for the books of account and other books and papers under section 206 it shall be the duty of every director officer or other employee of the company to produce all such documents to the registrar or inspector and furnish him with such statements information or explanations in such form as the registrar or inspector may require and shall render all assistance to the registrar or inspector in connection with such inspection. ठीक है, हमने पॉइंट इसका क्या बना दिया था? ड्यूटीज। ठीक है, अब वो राइट्स वाला आ गया। making an inspection or inquiry under section 206 may during the course of such inspection or inquiry as the case may be a may call calls to be made copies of books of account and other books and papers or b place or calls to be placed any marks of identification in such books in token of the inspection having been made
3. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any contract to the contrary, the registrar or inspector making an inspection or inquiry shall have all the powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 19(8), while trying a suit in respect of the following matters, namely, the discovery and production of books of account and other documents, at such place and time as may be specified by such registrar or inspector making the inspection or inquiry, b. summoning and enforcing the attendance of persons and examining them on oath, and c. inspection of any books, registers and other documents of the company at any place. तो ये मैंने पावर्स वाला सीबीसी वाला बोला, लेकिन मैंने आपको सात पॉइंट लिखवा दिए. तो इनका अगर आप ध्यान दो तो इंस्पेक्शन लिख रहा है, लेकिन वो समनिंग अटेंडेंस बी पॉइंट में दोनों आ गया, एंड ए में क्या आ गया, वो प्रोडक्शन ऑफ बुक्स. मैंने थोड़ा फ्लो में आपको ज्यादा लिखवा दिए क्योंकि हर एक्ट में वही साथ रहेंगे. If any director or officer of the company disobeys the direction issued by the registrar or the inspector under this section, the director or the officer shall be punishable with imprisonment which may extend to 1 year and with fine which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees. 2. If a director or an officer of the company has been convicted of an offence under this section, the director or the officer shall, on and from the date on which he is so convicted, be deemed to have vacated his office as such and on such vacation of office, shall be disqualified from holding an office in any company. Any company. तो मैंने उसको क्या कहा, दो चीजें अलग करी हमने कि disqualification भी एंड साथ में क्या vacation भी एंड जेल भी. तो 208 आपको सिंपल सा दिख रहा है, द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर शेल आफ्टर इंस्पेक्शन और इंक्वायरी अंडर 206 विद रिगार्ड टू बुक्स एंड पेपर्स अंडर 207 सबमिट अ रिपोर्ट टू द सीजी अलोंग विद सच डॉक्यूमेंट्स इफ एनी. लेकिन आप देख रहे हो 208 में तो पूरा का पूरा आपको क्या नहीं दिख रहा, आंसर नहीं दिख रहा, क्लियर है? लेकिन मैंने तो बहुत कुछ लिखवाया. तो ये दिख रही है एमसी की नोटिफिकेशन एवरीबॉडी. इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कंफर्म बाय सेक्शन 458 में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है. द सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय डेलीगेट्स टू द आरडी. सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर किसको डेलीगेट करी है, आरडी. इसलिए वो 206 वगैरह में वो आपको लिखवा रहा था, एंड इसमें भी मैंने आपको 208 में भी लिखवाया. और ये क्लियरली देख लो क्या लिखा है, वेस्टेड टू इट अंडर सेक्शन 208 ऑफ द सेड एक्ट फॉर रिसीविंग द रिपोर्ट फ्रॉम आरओसी और इंस्पेक्टर फॉर विच इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 2 ईयर्स इज प्रोवाइडेड. क्या मैंने लिखा आरडी के साथ में लेस देन 2 ईयर्स, लेकिन ब्रैकेट में देखो एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ ऑफेंस अंडर चैप्टर 3 एंड 4 127 एंड 178. तो मैंने ठीक बना के दिया आपको चार्ट, रिकॉर्ड और नॉट, ये नोटिफिकेशन से निकाल के. देन आप देख लो आरडी ने क्या करना था, मैंने तीन पॉइंट बना के दिए, ये बना के दिए सामने देख लो. शैल एग्जामिन लीगल एडवाइस डायरेक्ट इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, अगर वो रिकमेंडेशन मान लेता है चाहे पास्ट हो प्रेजेंट हो, इन्फॉर्म सीजी अबाउट वो रिकमेंडेशन नहीं मानता या एक्शन टेकन ऑन द रिपोर्ट इज डॉट ओके किड्स. तो ये था अलॉन्ग विद नोटिफिकेशन, बट इतना इतना मैं लिखवाता जाऊं तो तुम लोग पागल ही हो गए ना. तो चलो ये हो गया कंप्लीट. नाउ गाइज वी मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज हम पूरा नहीं कर पाएंगे, बट एक कॉन्सेप्ट हम पूरा करने की कोशिश करेंगे. अब आपने देखा पहले पेज पे हम लोग इंस्पेक्टर वर्ड आ गया था, तो अब थोड़ा मैं इंस्पेक्टर के ऊपर जा रहा हूं. तो ये पेज मैं इंस्पेक्टर को पूरा डेडिकेट करूंगा, और मैंने इंस्पेक्टर का सारा आंसर इस पेज में घुसाट देना है जैसे मर्जी. मुझे मालूम है तुम लोगों की तरफ से भारी गड़बड़ होगी, बट कोई बात नहीं. तो जैसे मैं लिखूं एक पेज में, कोशिश करना आप मेरे को फॉलो करो. इंस्पेक्टर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, और ये मैंने टॉप पे लिखा सेक्शन नंबर 215. सर 208 हुए हैं, 215 पे क्यों आ गए हो आप? 208 के बाद सर 209 आता है. कौन आता? 209 आएगा 215 के बाद. 215 काफी बड़ा सेक्शन है, ध्यान से पढ़ना. जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल वैसे ही लिखना. इंस्पेक्टर के साथ एरो लगाया, 215 लिखा. 215 क्या कहता है? नॉन एलिजिबिलिटी. इसका मतलब हिंदी में क्या आ गया? आप इंस्पेक्टर नहीं बन सकते. नॉन एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट.
ये लोग इंस्पेक्टर बनने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। सर कौन से लोग? फर्म बीसी। व्हाट इज बीसी बेटे? बॉडी कॉर्पोरेट। कहीं और कुछ सुना दो मेरे को सुबह सुबह। अदर एसोसिएट। क्या सीखा बेटा बताओ ना। अरे बोलो ना। हाँ बहुत बढ़िया, काविश ने जवाब दिया। सिंपली ओनली इंडिविजुअल, जैसे मैं लिख रहा हूं टॉप पे वैसे लिखना। कैन बी व्हाट इंस्पेक्टर। बेटा इसके साथ आपको मुबारक हो, सेक्शन 215 समाप्त हो गया। काफी बड़ा था तो सिंपल एक वर्ड में खत्म है। इंस्पेक्टर सिर्फ कौन हो सकता है? इंडिविजुअल। दैट्स इट। ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं और देख। मैंने तो कहा था मेरी तरह लिखो, थोड़ा तो देखो मैं ह्यूमर क्रिएट करता हूं, मैं ऐसा ही हूं यार, और क्या करें। ये पिछले पेज में नहीं लिखना था, ये इंस्पेक्टर के साथ ही लिखना था। यही तो समझते नहीं आप, कहीं देख रहे हो इशारे, कहीं कर रहे हो, तो वो सब कुछ चीजें सही होनी चाहिए। मैं इस पेज पे पढ़ाने ही क्या जा रहा हूं? इंस्पेक्टर तो स्वाभाविक के सारे सेक्शन इंस्पेक्टर के कहां लिखूंगा? इस पेज पे, पुराने पे काई को लिखने का मेरे को? क्लियर है? इसे कहते हैं हारमोनियस कंस्ट्रक्शन में पढ़ाना। अच्छा 208 के बाद क्या आता है? 209। तो अब बच्चों हम पहला प्रश्न इंस्पेक्टर पे लेने जा रहे हैं। ध्यान से पहले एक बार देखने का, बाद में चेपने का। कोई बात नहीं, मुझसे भी हो जाती है एक आधी जीरो। तभी देखो मैं बेर एक 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 वर्ड पढ़ाता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने फाइन 5,500 को एक जीरो मैंने पढ़ा दी थी। मैंने कहा 5K लिखना आसान होगा, भूल गया 100 को K नहीं लिखते हैं। क्लियर है? तो कोई बात नहीं, 2015 मत कर, 215 कर ले। तेरे दिमाग में 2015 किसी और वजह से आई होगी, मैं समझता हूँ। बच्चों ध्यान से सुना, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम प्रश्न लेने जा रहे हैं पावर ऑफ इंस्पेक्टर। किसकी पावर? इंस्पेक्टर की। अब गौर से देखना, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है पावर ऑफ सर्च। सर्च तो समझते हो? हाँ, सर्च एंड सीजर। सर्च करना, खोज करना, और उसके बाद सीजर मतलब जब्त करना। तो मेरा पर्सन, पहली बात तो सिंपल है, मैं 215 में इंस्पेक्टर का एलिजिबिलिटी बताया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं इस पेज पे इंस्पेक्टर की पावर ही कराने वाला हूं। क्या करवाने वाला हूं? पावर। लेकिन मैं अभी कौन सी पावर लिया? सर्च एंड सीजर। अब मैं ये कैसे लिखूंगा, इसको समझने का वैसे लिखने का है। ये पावर मैं दो कैटेगरी में ब्रेक कर रहा हूं। तो हमारा सेक्शन कौन सा बच्चों? 209 आ गया, वो आ गया। लेकिन 209 के साथ मैं, ओहो वो ये दिख रहा है भाई, मैं दोनों इकट्ठा कर रहा था ना, 209 के साथ इकट्ठा कर रहा था, मैंने एक जगह कर दिया। तो आपने क्या देखा? 209 के साथ मैं क्या ले रहा हूं? 220। तो नेचुरल आपको आइडिया लग गया। बोलो ना क्या ये आंसर, ये क्वेश्चन हम करेंगे डिफरेंस के रूप में। तो आप सारे जानते हो ये कॉलम किसका बनेगा? बेसिस का। क्लियर है किड्स? ठीक। अच्छा कितना पेज यूज होने वाला है? आधा भी नहीं यूज हो रहा, क्योंकि अगर आप मेरा पेज देखो ना, इतना आगे जाएगा, ये ज्यादा है यार, ये मैं 40% में इसको नीचे तक निबेड़ दूंगा, जो मर्जी हो जाए, टेंशन ना ले। फिलहाल बिंदास होके 40% एरिया में डाल दो नो, 40% का आइडिया ले ले। पूरा फित्ते के साथ आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। क्लियर? ओके तो अब समझो, 209 के साथ 220 काई को लिया मैं। अरे दोनों में पावर कौन सा दिखा मुझे? सर्च एंड सीजर। मेरे तो दिमाग खराब हो गया जब मैंने पहली बार 2013 में सेक्शन पढ़ा, इतना दिमाग पागल हुआ। हे राम, मैं क्या 20-20 बार सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे तो जाके समझ में आएगा करना किसको किसके साथ है। क्लियर? एक चीज बताओ, 6, 7, 8 में क्या थी? 6, 7, 8 में क्या थी?
इंस्पेक्शन, इंक्वायरी या इंफॉर्मेशन कह लो, तो 209 में तो वही आएगा, इंस्पेक्शन इंक्वायरी, तुक्का मारे 220 में क्या दिखेगा? 220 में इन्वेस्टिगेशन के दौरान सर्च एंड सीजर। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? ये मेरा पॉइंट ही कैच करना है आपने, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को अब सप्लिट कैसे नहीं किया, अब मैंने क्वेश्चन को इंस्पेक्शन इंक्वायरी में सप्लिट नहीं किया, अब मैंने क्वेश्चन किसके नाम से बना दिया, इंस्पेक्टर, तो मैं इन्वेस्टिगेशन को अब साथ में लेके चलूंगा। गाइस यू कैन डू इट, बताओ 209 में सर्च एंड सीजर करनी है, किसने करनी है बताओ ना, कौन करेगा? इंस्पेक्टर करेगा, लेकिन याद करो ना 209 किससे आया, 6, 7, 8 से आया, और 6 में आरसी था, 7 में भी था, 8 में भी था, इसलिए 209 में अकेली है इंस्पेक्टर की पावर नहीं है, साथ में कौन है? साथ में नहीं है, दोनों में से कोई एक है। अरे हाँ या ना, हाँ या ना बोलो। अब क्या करेंगे बेटा, हवन नहीं करेंगे, ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे हिंदी में, लिखो चला है? अरे बोलूं, लिखो इंस्पेक्शन ऑब्लिक इंक्वायरी के दौरान, इंस्पेक्शन ऑब्लिक इंक्वायरी के दौरान, समझ गए? लिख दिया। अब उससे नीचे वाले लाइन में इसके साथ लिखो 206 से क्या बना बच्चों, 207, 207 से क्या बना बच्चों, 208, और उसी से क्या बना बच्चों, 209। लिंक समझ लो, आरओसी क्यों है उससे अपने आप लिंक समझ में आ जाएगा। गॉट और नॉट? वो लंबी लंबी पांच पांच आठ आठ लाइनें अभी बेयर एक्ट में दिखाई थी, अगर वैसे पढ़ने पड़ जाए आपको, आप पढ़ोगे तो मुझे तो समझ में नहीं आता जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। गॉड ब्लेस देम। मेरी तरफ से तो 80 पेज में आगे पीछे मिला के एक एक सेक्शन के साथ कोर्स कंप्लीट है। आई होप सो सभी ने सारे के सारे बेयर एक्ट एक एक सेक्शन पढ़ाया मैंने 205 तक। कुछ छोड़ा तो नहीं कोई पॉइंट? कोई एक आधा रह भी जाता तो पढ़ा के कहता हूं लिखना है लिख लो। ओके 220 में फिर क्या हुई? सर्च एंड सीजर हुई। यहां कौन करेगा? यहां इंस्पेक्टर ही करेगा। क्लियर? ये बाय ना अच्छा लग गए तो इसके साथ ये लिख सकते हो ना, पावर किसकी है, पावर ऑफ, ऐसे लिख लो जैसे अच्छा लगे। अब बताओ इंस्पेक्टर के साथ ब्रैकेट में क्या लिखोगे हिंदी में, बोलो ना, बेशर्मो लिखो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान, बता के आया था, इतनी जल्दी भूल जाते हो। उधर था इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी के दौरान, इधर क्या है? इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान लिख दिया। क्या कर रहे हैं हम, कौन सी पावर कर रहे हैं हम? सर्च करके क्या करेंगे? सीज। तो ग्राउंड क्या है, किस चीज का? सर्च करने का। अच्छा बताना कौन कर रहा है 209 में, आरओसी या इंस्पेक्टर? बार बार लिख रहा हूं ऐसे ताकि बात समझ में आए, हिंदी में साथ में लिखवा दिया मैंने। हैज रीजनेबल, ध्यान से देखते जाओ, ग्राउंड। सर पागल हो गए हो क्या आप? बेटा क्यों सर दोनों कॉलम में आंसर लिख रहे हो? अरे बेटा दोनों का आंसर क्या है, सेम है, तो मैंने कहा जगह बता बचा देता हूं बच्चों की, और क्या करूं, समझ गए? लेकिन एक चेंज तो आएगा, बताओ ना क्या आएगा दोनों में? 220 में आरओसी वर्ड नहीं होगा, इतनी अकल तो होगी, वरना दोनों में अलग अलग भरते रहो, आंसर सेम है, बस आरओसी वर्ड हटाऊंगा। तो मैं सीधा ही आंसर लेके जा रहा हूं भाई दोनों कॉलम में, ताकि बच्चों की जगह बचे। आरओसी इंस्पेक्टर हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव डैट क्या, बुक्स एटसेट्रा। अरे समझ गए एटसेट्रा, क्यों लिखा मैं एटसेट्रा? अरे वही आ गया ना बुक्स वाला डेफिनेशन, आर लाइकली टू बी, इसका मतलब क्या हुआ? संभावना है, एक आशंका है, आर लाइकली टू बी क्या हो जाएंगी बुक्स वगैरह, बुक्स वगैरह डैम्स हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी?
डैम्स हो जाएंगी, मारो ना तुक्के, डी से क्या हो जाएंगी? शी सेड डैमेज्ड, मैं उसको लिख देता हूँ डिस्ट्रॉयड, वर्ड मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है। ए से बोल ऑल्टर्ड, बच्ची ठीक बोल रही है। एम से बोल मॉडिफाइड, नहीं से कहते हैं मुटिलेटेड, याद करो नेगोशिएबल एक्ट में इंटर में पढ़ा करते थे, वो देसी भाषा में कहते हैं कागजों की बत्ती बना दी, क्लियर है, खराब कर दिए। एस से सीक्रेटेड, एक और लिख सकते हैं फॉल्सिफाइड, लेकिन बेस्ट क्या है, कोड की ठीक है। डैम्स डिस्ट्रॉयड ऑल्टर्ड मुटिलेटेड, मुटिलेटेड मीन्स वो मचोड़ मुचूड़ देना, तो पता नहीं चलेगा अंदर क्या लिखा है ढंग से। आरओसी इंस्पेक्टर को लगता है जो खाते वगैरह हमें चाहिए थे ये लोग हटा देंगे, फाड़ फूड देंगे, तो इसलिए हम क्या करने गए बोलो ना, सर्च सर्च करके क्या करेंगे, सीज। बताओ ना कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? 209 में सेम आंसर है, 220 में क्या है, बस आरओसी वर्ड हटा दो, सेम है। सुनो बुक्स का क्या हो गया, बुक्स का क्या हो गया, डैम्स हो गया। तो जिसने डैम्स किया उसका हमें क्या करना चाहिए, हमें उसका डैम खराब कर देना चाहिए, अरे हाँ या ना, क्योंकि उसके डैम करने से हम क्या हो गए, रिवर्स हो गया, मैड हो गए, हम ठोकेंगे उसके ऊपर। बताओ क्या पेनल्टी, कौन सी वाली ठोकें बताओ ना, याद आ गया, अभी बताया था 447, हाँ या ना। अच्छा बताओ ये चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, 14, कहां से स्टार्ट होता है, 206, आज किया हमने, हाँ ना बोलो, कहां तक जाएगा, 229, मुबारक हो चैप्टर कंप्लीट हो गया सर। कैसे ऐसे पेनल्टी ठुकेगी, कौन से सेक्शन में ठुकेगी, 229, देखा, पहले लेक्चर में शुरुआत करके एंड वाला सेक्शन भी यहीं लिख देंगे 229 में। किस बात की पेनल्टी है, आपने डैम्स किया, और ये पेनल्टी कौन से सेक्शन की लगेगी, 447 की लगेगी, खत्म हो गया 229, मुबारक हो, इसी के साथ हमने चेप दिया। अब कहो तो 447 भी इसके साथ लिख दूं, या 447 आखिरी चैप्टर में जाके डिस्कस करें, वही फ्रॉड वाली आगे करूं, ठीक है। वो नोट तो लिखवाई दिया मैंने, उसमें दो लिमिट्स होती हैं वैसे बता दूं, फ्रॉड वाली में या तो फ्रॉड कितने का किया, लेस देन 10 लाख या 1% ऑफ टर्नओवर, और दूसरी लिमिट क्या होती थी, 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर, है कुछ याद बेटे, हाँ सब भूल भाल गए, कोई बात नहीं, मोटा मोटा एक चीज याद रख लो, फ्रॉड करने के लिए बेटे 10 साल जेल हो सकती है, इतना याद रख लेते हैं, चलो बाद में लिख देंगे, कोई बात नहीं। तो आपको लगता है किताबें हो जाएंगी डैम्स, इसलिए सर्च मारी, नहीं आपको कैसे लगा डैम्स हो जाएंगी भाई, आपको क्या किसी का फोन आया था, बेसिस ऑफ बिलीफ क्या है आपके, अपॉन इंफॉर्मेशन इन देयर हैंड, इनके पास इंफॉर्मेशन है, ये कहीं वर्ड सुना है क्या इंफॉर्मेशन वाला, बोलो ना बोलो ना, अरे 206 की शुरुआत ही इंफॉर्मेशन से भी थी, या तो शक था या शिकायत थी। और यहां क्या हुआ, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ वॉट, इन्वेस्टिगेशन, अरे इन्वेस्टिगेशन हुई राणा कपूर की, तो ही तो पता चला कि बेटे ने पीछे कौन सी कंपनी डूबी, कुछ दिन पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डूबा है, DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बेटे ने उसको मोटा लोन दिया, उसको कोई लोन नहीं दे रहा था, और उस लोन में से कमीशन खा गया 600 करोड़ का, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दैट इज द बिलीफ, इसलिए सर्च, इसलिए राणा कपूर की भी तो क्या हुई, इंग्लैंड बैठा था वो, जस्ट फॉर योर नॉलेज, आरबीआई ने उसको प्यार से बुला बुला के, आइए ना यहाँ दिक्कत आ रही थोड़ी बैंक में, आप प्रमोटर रहे हैं, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, ऐसे उठा के लेके आए थे, और पूरा उसको 24 आवर्स अंडर इन्वेस्ट, मतलब उसके ऊपर निगाह रखी थी। और एक आधी बार ऐसी सिचुएशन आई जब वो ऑफ रडार हो गया था आरबीआई वालों की, किले बेटे भाजपा की सरकार है, ही सारे के सारे इंग्लैंड में बैठे हैं, छोटा मोदी, मेहुल मामा, मेहुल चौकसी, दिस एंड दैट, ये भी गया, तो ये सरकार की फजीहत बहुत होती है, वरना ऑपोजिशन वालों ने क्या करना था, एक और भगा दिया। चलिए क्या सर्च करने जा रहे हैं, क्या उठाने जा रहे हैं, हमें तो बुक्स चाहिए थी ना यार सर, किसकी बुक्स, देखना 209 किससे रिलेटेड है, अरे
अरे प्ले पकड़ लो, दो बेस खराब हो गया ना तो ये समझ में नहीं आएगा। मैं बहुत बड़ा चैप्टर बहुत कम एफर्ट के साथ बहुत कम पेजेस में आपको कंप्लीट कराने जा रहा हूं, तो इसमें मेरे को तुम्हारा पूरा वो चाहिए दिमाग। 209 किससे रिलेटेड है? इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी से रिलेटेड है। और किसकी हो रही थी वो इंस्पेक्शन इंक्वायरी? इंफॉर्मेशन किसकी मांग रहे थे हम? कंपनी की ना, तो इसलिए कागज किसके होंगे? कंपनी के होंगे ना, लेकिन साथ में कंपनी के कौन आ गए? केएमपी भी आ गए, साथ में कौन आ गए? डायरेक्टर भी आ गया, ऑफिसर वर्ड बन गया। सीएस ऑलरेडी केएमपी के अंदर होता है, ऑडिटर, ये सब आ गए। तो मोटा मोटा यहां हिंदी में हम लिख देते हैं, गलती ना हो। यहां कंपनी जमा ऑफिसर्स लिख देते हैं, ऐसे याद रह जाएगा ना, बट ऑडिटर भी साथ में ही था। हाँ, क्योंकि ऑफिसर्स के अंदर तो सारा कवर हो गया, केएमपी भी आ गया, डायरेक्टर भी आ गया, और सीएसपी किसकी डेफिनेशन में कवर होता है? केएमपी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 51 में, की मैनेजरियल पर्सोनल। ऑडिटर नहीं आता उसमें, उसमें कौन आता? सीएफओ आता है। तो बस यहां एक ऑडिटर और इंटरेस्टिंग था, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं बेटे, क्योंकि आप लोग हो ना। देन क्या हो रही है बेटा अगले 220 में? इन्वेस्टिगेशन। तो क्या पता चला? अरे राणा कपूर के 78 कंपनीज, अरे नीरव मोदी की 114 शेल कंपनीज, वेब कंपनीज। तो इन्वेस्टिगेशन किसकी खुलेगी? सभी की। तो कागज किसके होंगे? सभी कंपनियों के होंगे, दैट इज द डिफरेंस। तो एक चीज है, कंपनी तो होगी होगी, लेकिन उसमें साथ में क्या होगी? अदर बीसीबी होगी, बाकी कंपनियां, अदर बॉडी कॉर्पोरेट। साथ में कौन होंगे? ये इंटरेस्टिंग हिस्सा देखना। एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर किसके? ऑफ सच अदर कंपनीज। अरे अभी तुम क्या देख रहे थे? अफसर किसके उठा रहे थे? अपनी कंपनी के। अरे हाँ या ना, अब क्या आ गया? खुद की कंपनी भी आ गई, दूसरी कंपनियां भी आ गई, और उनके भी क्या आ गए? अफसर आ गए, सच अदर कंपनीज। तो यहां मैं क्या कहूंगा, यहां ये वर्ड ज्यादा अच्छा है, ग्रुप कंपनीज। अरे हाँ या ना, जमा उनके कौन? अफसर हो गए, ठीक है। वो उदाहरण के लिए मैंने बोल दिया, जैसे यस बैंक वाला लिखना है तो राणा कपूर के 78 बिजनेस, वो छोटे मोदी के होते थे 114 वेब कंपनीज थी उसकी। और एक ललित मोदी भी बैठा है आईपीएल का, जो चेयरमैन था, मालूम हो? मालूम है नहीं? चलो, सारे मोदी मतलब टॉप गियर में है भाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अप्रूवल लेनी पड़ेगी, लेकिन फ्रॉम स्पेशल कोर्ट। आपको स्पेशल कोर्ट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, यहां लेनी पड़ेगी रिक्वायर्ड, या नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ी चीज है। इधर इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, बात छोटी है, अगले की जाके आपने सर्च मारी, कागज उठा लिए, बहुत बड़ी पावर आ गई। तो पहले कोर्ट से पूछ के जाओ। अब बच्चों आपको तकलीफ आएगी स्पेशल कोर्ट पे। सर जे क्या होता है? तो सुन लो, स्पेशल कोर्ट वैसे तो कंपनी एक्ट को डील करने के लिए क्या है? एनसीएलटी है, और एनसीएलटी आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 27 में, स्पेशल कोर्ट के ऊपर आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 28 सेक्शन 435 से लेके 446 तक, 447 में फ्रॉड आता है, और इससे पहले एनसीएलटी वाला चैप्टर खत्म होगा 27, 407 से 434 तक। तो स्पेशल कोर्ट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल ज्यादा टेंशन मत लीजिए। हाँ यही तो लिख के दिया है, नॉट रिक्वायर्ड। लॉजिक बताया ना, इन्वेस्टिगेशन कहानी ऑलरेडी बहुत बड़ी थी, तो बड़ी चीज है तो कोर्ट कोर्ट तक वेट नहीं करेंगे। लेकिन यहां तेरी पावर सिर्फ इंस्पेक्शन वगैरह की है, तू जाके सर्च मार रहा है, पहले कोर्ट से क्या लेके जा? अप्रूवल लेके जा। लॉजिक ये है ना बेटा? तो स्पेशल कोर्ट का मतलब यहीं से एक हल्का सा हिंट ले लो, बाकी बाद में पढ़ेंगे। वैसे सारे के सारे एनसीएलटी में जाते हैं, कुछ बड़े अपराध हों तो ये कह लीजिए कि कहां हैंडल हो जाएंगे स्पेशल कोर्ट में। देन अब आप सर्च करने जा रहे हो तो आपको पावर्स तो चाहिए सर्च करने की, क्या पावर्स रहेंगी आपकी? छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंटर एनी प्रेमिसेस, घुसो किसी भी बिल्डिंग में,
विद सुटेबल असिस्टेंस। क्या मतलब हुआ इसका? बंदे ले जो, मैं बता दूं आपको, कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, एरिया इतना बड़ा होता है। अगर आप चले गए, हम सर्च करने आए हैं, उसके बाद लोग तुम्हारी सर्च करेंगे, हड्डियां भी नहीं मिलनी, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, गेम खत्म। कहते हमें रॉ मटेरियल की जरूरत थी, शुगर आप आए, डालो रे इसे मशीन में। ऐसा होता हमारे देश में, ऐसा हो जाता है। लेट मी टेल यू, बड़े अफसरों के साथ हुआ ऐसा। तो चौड़ नहीं मारनी अपनी लाइफ में, अगर तुम कुछ ऐसे बन जाओ तो साथ में पुल्स पाल्स ले जाना विद सुटेबल असिस्टेंस। देन कंडक्ट सर्च। अब सर्च ऑपरेशन करो, चाहे साथ में विनी को ले जाओ, आई मीन डॉगी डुगी ले जाओ, वंशिका को ले जाओ, वंश अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? अब टू सीज। हाँ वंश, अब तेरे को मालूम होगा क्यों नहीं आया, तो कोरोना के डर से नहीं आया क्लास में, ऐप पे क्लास देखेगा, मर जाना और क्या। टू सीज बुक्स एटसेट्रा कंसीडर्ड नेसेसरी। इधर क्या करोगे? टिक टिक टिक, सेम आंसर है रे। तो बुक्स उठा लाए तुम, क्या हमेशा अपने पास रखोगे क्या? ना 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 ना, पीरियड ऑफ रिटेंशन। कितने दिन तक किताबें रखोगे? मारो तुक्का। शी सेड 7 साल। कोई और तुक्का मारे? 7 साल पता नहीं तुम्हारे दिमाग में कहां से आ रहा है। नहीं, यार किसी की किताब में 7 साल उठा के तुम क्या करोगे? हाँ ये ज्यादा बेहतर है, अटेम्प्ट अगला आ जाता तब तक। तो 6 महीने ठीक है, 6 महीने मैक्सिमम आप रख सकते हैं, 180 डेज, 180 दिन। मेक ऑल अगेन, दोबारा भी मंगवा सकते हो फॉर 180 डेज, लेकिन एट ए टाइम 180 दिन। इन्वेस्टिगेशन तो बात बड़ी होगी ना, यहां पे फ्री स्टाइल है भाई, टिल इन्वेस्टिगेशन। तो जब तक तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, रखे रखो, कोई रोला नहीं है, आखिरी है, खत्म। सीआरपीसी 1973 स्टैंड्स फॉर, सीआरपीसी बोलो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्योंकि सर्च करने जा रहे हो ना यार, साथ में पुलिस वगैरह लेके जा रहे हो, तो आपको तो कार्रवाई यहां सीआरपीसी की लगेगी, ना कि सीपीसी की। टू अप्लाई, यहां पे भी टू अप्लाई, बस हल्का सा यहां चेंज है एक। यहां चाहिए होती है अप्रूवल ऑफ फर्स्ट क्लास जेएम। व्हाट इज जेएम? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिस्डिक्शन, जिसकी ज्यूरिस्डिक्शन हो। बस ये एक हल्का सा पॉइंट इसका अलग से था, मैंने यहां ब्रैकेट में लिख दिया और कुछ नहीं है। सो गाइज, मेरी तरफ से व्हाट आई ट्राई टू डू, आई ट्राई टू मेक द आंसर इजी, नथिंग एल्स। 209 में सिंपल हेडिंग पकड़ो, सर्च एंड सीजर। 209 में इंस्पेक्शन इंक्वायरी के दौरान आरओसी इंस्पेक्टर, उधर कौन आ गया रे? इंस्पेक्टर आ गया। बस पॉइंट क्या आ गया? इन्वेस्टिगेशन। कारण क्या था? बस बहुत सिंपल, एक वर्ड में खत्म। डैम्स हो जाएगा बुक्स का, डिस्ट्रॉयड, ऑल्टर्ड, मुटिलेटेड, सिक्रेटेड। और 229 ने कहा पेनल्टी ठुकेगी, कौन सी? 447 वाली। और कई को तुम सर्च कर रहे हो, इधर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है और उधर क्या है? ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बात खुलती गई तो हम आगे बढ़ते गए। देन इधर किसकी किताब में? सिर्फ कंपनी एंड उसके अफसर थे, उधर क्या कौन थी? साथ में ग्रुप कंपनी थी, और उन्होंने बड़ा क्लियरली वर्ड लिखा, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर उनके। इधर हमारा सिंपल पकड़ लो, कंपनी केएमपी, और साथ में एक वर्ड आ गया था ऑडिटर, डिफरेंस अगर आप लो तो। उधर कोई स्पेशल कोड से उधर पूछने का, इधर नहीं पूछने का, लेकिन यहां इधर अप्रूवल चाहिए होती है, वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, सीआरपीसी की धाराएं लगती हैं। देन पावर में क्या था? घुस जाओ, लेकिन साथ में बंदे ले जाओ, नहीं तो तुम कैसे निकलोगे? और उठा लाओ और रख लो, 6 महीना मत बोलो, 180 दिन, जमा 180, ऐसे गेम खेल सकते हो। और उधर टेल इन्वेस्टिगेशन क्या ना हो जाए कंप्लीट। और ये चलते हैं कहाँ? एमसीए की साइट पे। हेलो एमसीए, कैसे हो तुम? आ जाओ भाई। नेक्स्ट। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे 209 सेक्रेटरी, पढ़ना स्टार्ट करें।
शी डिनाइड, सेक्रेटरी डिनाइड, क्या करें, हमें ही करना पड़ेगा। सो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है सबसेक्शन वन, आप देख रहे हैं, कहता है वेयर अपॉन इन्फॉर्मेशन इन हिज पोजेशन और अदरवाइज, लिखवाया था ना मैंने वर्ड इन्फॉर्मेशन बेसिस ऑफ बिलीफ, द आर ओ सी और इंस्पेक्टर आगे वर्ड हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव कि जो बुक्स वगैरह हैं किसकी, आगे वर्ड कंपनी, केएमपी आ गया, डायरेक्टर आ गया, ऑडिटर आ गया, सीएस आ गया, इन प्रैक्टिस इफ द कंपनी हैज नॉट अपॉइंटेड अ सीएस, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं सीएस कहां चाहिए होता है, जिसकी 5 करोड़ की पीयूसी हो, क्लियर, और लाइकली टू बी डैम्स दिख रहा है, डिस्टर्ब्ड, मुटिलेटेड, ऑल्टर्ड, फॉल्सिफाइड, सीक्रेटेड, ही मे आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑर्डर फ्रॉम स्पेशल कोर्ट, लिखवा है स्पेशल कोर्ट में, अरे है ना, बस वो आंसर बना के दिया तुम्हारे लिए जितना आसान बने, एंटर घुसो, असिस्टेंस दिख गया, सीज उठा लो, और सीज में वही आ गया यू कैन टेक कॉपीज या क्या एक्सट्रैक्ट, अरे है ना, पूरी की पूरी कॉपी बना लाओ या उसमें से कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट, समझ गए, फोटोस्टेट करा लो यार, तो ये वर्ड लिखना है तो आप लिख सकते हो सीज वाले में कॉपी एंड एक्सट्रैक्ट ब्रैकेट में, वरना कोई ऐसा जरूरी नहीं, हर जगह सेम ही होता है ये आंसर पूरे के पूरे लॉ में। देन रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर शैल रिटर्न द बुक्स एज सुन एज मे बी इन एनी केस नोट मोर देन वॉट, 180 दिन आ गया, प्रोविजो क्या कह रही है, बुक्स एंड पेपर्स मे बी कॉल्ड फॉर बाय द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर फॉर फर्दर पीरियड ऑफ वॉट, 180 डेज, दोबारा मांग लो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट बिफोर रिटर्निंग सच बुक्स टेक कॉपीज और एक्सट्रैक्ट और पुट वॉट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, वो तो करेगा ही यार, इतना कुछ नहीं मैंने लिखवा है कि कॉपी वापस करने से पहले वो ये करेगा, वो तो अंडरस्टूड है, अभी मैंने बोला लिखना है, लिख लो वर्ड कॉपी एक्सट्रैक्ट, देन क्या बोलता है सीआरसी सीआरपीसी की क्या लगेंगी, धाराएं लगेंगी, क्लियर है, चलो रे कहां चले, 220 पे, मिस्टर 220 वेयर आर यू, ये रहा 220, क्या लिखा है हेडिंग, अरे सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय क्या लिखा इंस्पेक्टर, तो सर्च एंड सीजर हो गया ना, वेयर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मिल गया वर्ड, द इंस्पेक्टर हैज रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव, क्या बुक्स रिलेटिंग टू, अब वर्ड ध्यान से पकड़ना, कंपनी लिखवाया मैं, अदर बीसी लिखवाया मैं, एमडी और एम ऑफ सच कंपनी, तो सच ही बोला मैं, अरे हाँ ना, आर लकली टू बी डैम्स आ गया, सेम वही पावर दिख रही है, एंटर सीज वही ब्ला ब्ला ब्ला, सबसेक्शन दो पे आओ, द इंस्पेक्टर शैल कीप इन हिज कस्टडी ये बुक्स वगैरह फॉर सच पीरियड नॉट लेटर देन वॉट कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो यही लिखवाया ना मैं, टेल इन्वेस्टिगेशन कंक्लूजन कंप्लीट, तो नोट्स बनवा रहा हूं यार, इजी होने चाहिए, क्लियर है, उसके बाद वो वापस कर देगा, प्रोविजन वही कॉपी एक्सट्रैक्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क, क्या लगेंगी, द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी रिलेटिंग टू शेल अप्लाई, इज दैट ओके और नॉट, ठीक है जी, तो आज का हम यहीं पे समाप्ति कर लेते हैं।